तरीकत हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी रजवी बरकाती मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा है। हदीस रसूल के छलकते हुए पैमाने के साथ उनकी तकरीर पुरतनवीर आप तमामी हजरात समाप्त करेंगे, महजूज होंगे। ऐसा लगेगा कि आज दस्तारबंदी के जलसे में जो आए कुछ लेकर के जा रहे हैं, और हजरत की तकरीर के बाद आपके गाढ़े पसीने की कमाई मदरसा अहमदिया फैजुर रसूल ने लौटाई है। दस्तारबंदी की रूह परवर तकरीब आप अपने माथे की आंखों से मुलाहिजा करेंगे। एक जरूरी ऐलान, माहिरे गुलकारी अल्फाजो मानी हाफिज़े अहादीसे नूरानी हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी अबुल हक्कानी किबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी, जिनकी तकरीर से कुछ लोगों को होती है परेशानी और कुछ लोगों की मर जाती है नानी, नहीं होती है कुरान खानी, इसलिए कि उनके यहाँ कुरान खानी जायज नहीं है। हम लोग फातिहा वाले हैं, दुरूद वाले हैं, कुरान वाले हैं, सलातो सलाम वाले हैं। जरा जीता जागता अंदाज पेश कीजिए, रहमतों में नहा लिया जाए। बोलिए, रहमतों में नहा लिया जाए, हौसलों को जगा लिया जाए। आ रहे हैं खतीबे शीरी जबां, आओ नारा लगा लिया जाए। पूरे भारत नहीं फिर रोशन कर दे, आंखों में तू बिजली भर दे, शबनम भर दे, शोला भर दे। किसी बाहर की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब बर्पा कर। صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا صراط الطريق وجعلنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا بالاقتداء يليق ولا إله إلا الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمنّا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی تمنّا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی اور یا رسول اللہ نسیم صبح کی جامہ تلاشی لی گئی جس دم گلوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد موجود والکرم والیہ وبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو اور یا رسول اللہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو اور ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفی رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں قاسم نعمت سے ہم مانگے تو نجدی یوں بکے کیوں نبی سے مانگتے اللہ سے کیا ملتا نہیں تو فرماتے سنو نجدیو بے نوا کو بے صدا ملتا اس سرکار سے دودھ بھی بیٹے کو ماں سے بے صدا ملتا نہیں اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں
टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। रात का 12 बज रहा है, मेरी तकरीर का वक्त हो गया है। मेरे बाद अभी जैसा कि आपने नकीब जलसा मौलाना मुज़क्किर खान साहब से सुना कि शोरा की एक फेरिस्त अभी बाकी है, मेरे बाद दस्तार भी है, शोरा से नाज शरीफ भी सुननी है और मालूम नहीं खतीब है कि नहीं है, शोरा तो है, खुतबा भी है और खुतबा भी है। माशाल्लाह मौलाना तहसीन रजा और उनके मुहिबीन अराकीन मुखलसीन ने बहुत उमदा जलसा सजाया है। बस एक गुजारिश है आप लोगों से, चूँकि मैं हदीस शरीफ पढ़ता हूँ तो हदीस शरीफ मोहब्बत से सुननी चाहिए, उठना बैठना बंद रखिएगा, जितनी ही देर बोले तो उठिएगा नहीं, अगर आप उठे नहीं बिला वजह। अब मोहब्बत से आपने हदीस पाक सुन लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितने गुनहगार हो कुर्सी से उठते उठते सब इंशाल्लाह पाक हो जाओगे, और जितने बीमार हो तंदुरुस्त हो जाओगे। और एक घंटे के बाद एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि जिंदा रहो तो मचलते रहना, कब्र में उठो तो मुस्कुराते रहना। एक घंटा हो जाए तो याद कर दीजिएगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह। मगर एक गुजारिश है बस, सबसे नहीं, ये एक सब जो कुर्सी है सिर्फ एक सब, सब नहीं, सब वहीं बैठे रहना, जरा आप लोग दो दो हाथ आ जाइए तो मेरे सामने अपनी कुर्सी लेके, सब आदमी मत हटा इंतजार, हाँ जरा मेरे सामने आ जाइए और आगे बढ़ जाओ बहुत थोड़ा सा, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग, बस हो गया इतना काफी है मेरे लिए, अब बैठिए जो जहाँ है वहीं बैठिए। सुनिए, तकरीर शुरू करने से पहले एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ और उसके बाद बगैर तमहीद के मैं अपनी तकरीर इंशाअल्लाह शुरू कर दूंगा। मिश्कात शरीफ जिल्द अव्वल सफा 202 बाबो सवाबित तस्बीह 17, 9, 10, 11। عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقيت ابراهيم ليلة الصلاة ابي فقال يا محمد اقرا امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه طيب التربه واضبه الماء وان الجنه قيان وان غراسها سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله। हुजूर फरमाते हैं जब शबे मेराज में जा रहा था तो आसमान पर एक जगह मेरी मुलाकात हजरत खलील से, ख्वाब में नहीं बेदारी में, वो भी जमीन पे नहीं आसमान पे, तो ये मुलाकात बता रही है कि हर नबी जिंदा है। बोलिए हर नबी, ए बोलिए ना हर नबी। आला फरमाते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कहें रस्ते में जा बजा थाने वाले। तो हजरत खलील ने कहा तशरीफ ला रहे हैं हजरत सैयद साहब क़िबला, है ना सैयद साहब, माशाल्लाह सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग बैठे रहिए, बस हजरत तशरीफ ले आए और अराकीन से गुजारिश है कि हजरत को जरा जल्दी तशरीफ ले आइए, माशा इधर बैठाइएगा हजरत को, कहाँ बैठेंगे नीचे या कुर्सी पर, चलो हटा हटा, माशा ठीक है, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर जिंदाबाद, अरे बाबा अल्लाह बोले अल्लाह बोले, ए बच्चे हो गया बैठो जल्दी बैठो, एक बार आप लोग हमारे कहने से नारा लगा लो, नारे तकबीर नारे रिसालत औलादे रसूल पीरे तरीकत उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहेब क़िबला। माशाअल्लाह माशा, बैठो बैठो बैठो, अब क्या करते हो, बैठो ना, बैठिए बैठिए, माशाल्लाह मौसी खुदुल्लाह साहब जरा आगे बढ़िए तो पीछे जगह हो जाएगी, माशाल्लाह बंकी खाल आपके यहाँ इमाम अहमद रजा लाइब्रेरी का इफ्तिताह है, सुभान अल्लाह सुभान, बैठिए, नहीं नहीं कुर्सी क्या हो, बैठिए ना बाबा मां तहसील साहब बैठिए ना, अरे सिया भाई आप भी हैं माशाल्लाह, आप गालिबन मेरे बाद आपका नंबर है,
अल्लाह बेहतर जाने किसका नंबर है, मैं कौन होता हूँ, मगर देखा कि आप भी जलवा फरमाए अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी। अभी जो पढ़ रहे थे इसका क्या नाम था, सिकंदर ना, आप कौन पढ़ रहे, सिकंदर, सिकंदर वो अच्छा पढ़ रहे थे, चले गए। हाँ वो होता ही ऐसा कि शायरों को पहले दे दीजिए तो खतीबों की तरजीब सुनते कहाँ हैं, खाली हम लोग ना सुने। और जब मेरा नंबर आए तो बोले खाना खाने जाते हैं, तो जब उनके पढ़ने का नंबर आए तो हम भी सलाम पढ़ा देंगे, जाते जाइए। ये बड़ा मसला है भाई, है कि नहीं। सुनाओ, सरकार खलील ने सरकार अंबिया इमामुल अंबिया सरकार इमामुल अंबिया से अर्ज किया कि हुजूर जब आप सफरे मेराज से जाएंगे ना तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह दीजिएगा। कितना बड़ा मुकद्दर है सुनियो हमारा आपका कि अल्लाह के नबी हजरत खलील ने सलाम किया है हमको भी आपको भी। आज तक जवाब दिया आपने सलाम का, नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, मालूम नहीं था, आज तो मालूम हो गया ना। तो जब मालूम हो जाए तो सलाम का जवाब वाजिब होता है देना। जैसे जितने भाई बहन बैठे हो सुन्नी भाई सबको मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम सलाम, कोई जवाब ना देता तो पूरा मजमा गुनहगार हो जाता, क्योंकि सलाम का जवाब वाजिब है। अब नबी ने सलाम किया है मालूम हो गया ना, तो अब जवाब दीजिए, नबी का जवाब दीजिए, नबी का जवाब धीरे से होगा, बोलो ना जोर से। यही मैं समझना चाहता था, सुन्नी भाई से नारा लगवा लो, नारा लगा देगा, इसको मसला नहीं आता। इल्ला माशाल्लाह, कितना गलत जवाब नबी का आपने दिया। वालेकुम सलाम कब होगा सुन्नियो, मसला सीखो। सरकार फरमाते रात भर जगकर नफिल पढ़ो, उतना सवाब नहीं मिलता है जितना शरीयत के एक मसला सीखने का मिलता है। मसला सीखो, मसला सीखो। वालेकुम सलाम कम होगा जब हम डायरेक्ट आपको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, तब ना कहोगे वालेकुम सलाम। हजरत खलील ने डायरेक्ट आपको अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा है, सरकार के जरिए सलाम भेजा गया है, तो सलाम है गायबाना, तो जवाब भी तो होगा गायबाना। वालेकुम तो हाजिर का जवाब हुआ बाबू, गायबाना जवाब कैसे होगा, जो हम कहते कहो ताकि नबी का जवाब हो जाए। सब आदमी कहो वअलैहिस्सलाम, जोर से बोलो ना भाई वअलैहिस्सलाम। ये हुआ सलाम गायबाना का जवाब गायबाना। तो हजरत खलील ने एक बात और कहा, हुजूर आपका गुलाम जो जन्नत में जाएगा ना तो सलाम के बाद उनको ये भी कह दीजिएगा कि जन्नत की मिट्टी बहुत खुशबूदार है, पानी बहुत मीठा है। हजरत खलील का ये कौल बता रहा है कि इंशाल्लाह एक न एक दिन हर सुन्नी जरूर जन्नत में जाने वाला है। हजरत खलील ने कहा ना भाई, तो सुनो एक बात और सुनो, जन्नत में जाके क्या करोगे आप लोग, वहां भी कहोगे नारे तकबीर। जन्नत में तो इतनी नेमतें हैं कि हम मौलवी भी नहीं जानते हैं। एक नेमत बताता हूँ, अभी कमोबेश 3 साल पहले सऊदी के एक मुफ्ती ने माजल्ला फतवा लिखा, क्या लिखा कि नबी के मजार गुम्बद खजरा को शहीद करो क्योंकि मस्जिद में मजार का रहना बिदत है। मरवारे सुन्नियों तेरी मोहब्बत व अकीदत को सलाम। पूरी दुनिया में सुन्नियों ने एहतजाज कर दिया और कहे सऊदियों किसी दिन तुम मेरे नबी के मजार में हाथ लगा कर देख लेना, हम सुन्नी बिला वीजा लगाए मदीना पहुंच जाएंगे। इतना एहतजाज किया कि फतवा को लकवा लग गया, सब चुप हो गया, बोले यहीं रहने दो। और आला हजरत ने क्या लिखा, आला फरमाते सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करना, यहाँ गुम्बद खजरा की ज़ियारत करते हो, कयामत आएगी तो सरकार का गुम्बद शरीफ उठाकर जन्नत में रखा जाएगा, सुन्नी जन्नत में भी गुम्बद खजरा की ज़ियारत करेगा। बेशक अल्लाह फरमाते हैं गौर से सुन तू रसा, कहा बस आती है ये सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो और हाथ जो आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। और हजरत खलील ने एक बात और कही, हजूर आपका गुलाम जो जन्नत में जाएगा ना तो जन्नत में सब गुलाम का रूम अभी से तैयार है। और तैयार है, बनेगा नहीं, बना हुआ है, जन्नत बनेगी नहीं भाई, बन के तैयार है। कहाँ है जन्नत, कहाँ है बोलिए तो आप लोग। सातों तबक आसमान के ऊपर जन्नत है और सातों तबक जमीन के नीचे जहन्नम। तो हर सुन्नी का रूम तैयार है, यहाँ एक मकान है उसमें बाप भी है, भाई भी है, माँ भी है, बेटी भी है, जैसा मकान है वैसा है, जन्नत में ऐसा नहीं होगा।
हर सुन्नी का रूम अलग अलग, बाप का अलग, बेटा का अलग, भाई का अलग, पोता का अलग, हर सुन्नी का रूम जन्नत में अलग अलग, एक एक रूम अलग अलग रहेगा। और रूम कितना बड़ा रहेगा, कितना बड़ा, यहाँ से गोपालगंज शहर तक नहीं, सरकार ने बस सुनियो, तुम्हारा एक रूम उतना बड़ा रहेगा जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी। सुभान अल्लाह, तो कह दिया हम, उतने बड़े रूम में अकेले क्या करोगे, मन लगेगा, उतना बड़ा रूम और अकेले। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लहुम अबवाबुन मुतहरतुन हुम फीहा खालिदुन, सुन्नियों अकेले नहीं रहोगे, उस रूम में तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवियां भी रहेंगी। बीवी नहीं बीवियां, कुरान में बीवियां हैं, यहाँ कितनी बीवी है, एक से दो, मगर हर सुन्नी को जन्नत में एक दो बीवी नहीं है, दर्जनों बीवियां हैं। या अल्लाह की दर्जनों बीवियां कहां से आ गई, तो पढ़ लेना सूरह रहमान आखिरी आयत, अल्लाह फरमाता है 27वां पारा में, हुरुम मक्सूरातुम फिल खयाम फबैयालाय रब्बिकुम मुतकज्जिबान लम यतमिसुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबैयालाय रब्बिकुम मुतकज्जिबान। अल्लाह फरमा, सुनियो तुम ईमान वाले हो, मेरे महबूब के गुलाम हो, तो जन्नत के खीमों में जो पर्दा नशी हुरे हैं, अल्लाह ने उन हूरों से सुनियो तुम्हारा निकाह कर दिया है। जिस हूर को न इंसान ने छुआ है न जिन्नात ने छुआ है, तुम्हारी बीवी है, पहली बार जन्नत में तुम उनसे मिलेगा। कुरान शरीफ में ना, इधर उधर की बात नहीं, कितनी अच्छी है, पढ़िए ना आला का तर्जमा, हजरत कंजुल ईमान खजानुल इरफान, इतनी अच्छी हूर सुन्नी की बीवी कि आसमान से एक मरतबा जमीन पे झांक ले तो आसमान से जमीन तक का अंधेरा दूर हो जाए। इतनी अच्छी बीवी, झांक ले तो अंधेरा दूर हो जाए, और दुनिया वाली बीवी किसी ने गुस्से में शोहर को झांक ले तो जिंदगी तबाह हो जाए। अरे इतना फर्क, और वो जन्नत में जो बीवी है सुन्नियो तुम्हारी हमारी, समंदर में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, और दुनिया वाली बीवी गिलास में थूक दे तो पानी खराब हो जाए। अब क्या होगा इस बीवी का, क्या होगा 30 साल 40 साल 25 साल इसका क्या होगा। तो हमारे नबी फरमाते हैं, सुन्नियो सुनो, मायूस मत होना, हूर जितनी अच्छी है रहने दो, और जब दुनिया वाली बीवी जन्नत में पेश की जाएगी तो दुनिया वाली बीवी को अल्लाह जन्नत में हूर से भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा। अब तो बहन के नाम बोल दो ना, सुभान अल्लाह। और हज़रत खलील ने एक बात और कही, हुज़ूर रूम तो तैयार है, और है क़ियाम, इन्नल जन्नत क़ियाम, उलमा से पूछो न तो कल मदरसा में जाकर लोगत उल्टो, कियान के माने है चटियल मैदान। ए भाई, हर सुन्नी भाई, रूम तो तैयार मर है, मैदान सजावट नहीं है, बेल बूटे नहीं है, उसमें पौधे लगे हुए नहीं है। हजरत खलील ने कहा, हुजूर गुलामों से कहिएगा और वो चाहता मरने से पहले जन्नत वाला मकान उसका सजाया रहे, तो दुनिया में पढ़ा करे ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, जब जब पढ़ेगा तब तब जन्नत वाला घर सजेगा। तो एक बार इतना प्यारा मजमा, अपना अपना घर तो सजा लो, आप भी सजाओ, मगर मेरी बहन तुम चुपके से पढ़ना, और मेरे सुन्नी भाई तुम जोर से पढ़ना, जैसा घर है वैसा पढ़ना, सब आदमी पढ़ो तो सुभान अल्लाह देखा देखा देखा, ऐसा पढ़े जैसे गोपालगंज का पीओपी वाला घर है। अरे जन्नत वाला घर है तो वैसे ना सजाइएगा भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, एक बार बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, जब जब पढ़ते रहोगे, जलसे ही में नहीं, घर में पढ़ो, दुकान में पढ़ो, मदरसों में पढ़ो, जब जब पढ़ोगे तब तब आपका जन्नत वाला घर सजता रहेगा सुभान अल्लाह। एक हदीस और, उसके बाद तकरीर शुरू, तिर्मिजी शरीफ जल्द सने सफा 290 बाब माजा फी तस्बीह हदीस नंबर 78 16 17 अत तस्बीहु निस्फुल मीज़ान। नबी करीम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई सुन्नी सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसको इतना सवाब देता है जिससे तराजू के आधे पल्ले भर जाते हैं। ये तराजू नहीं जिसमें गोश्त तोलते हो, हम मोदी जी रहेंगे तो वह बंद हो जाएगा। असल में मोदी जी को हो गया धोखा कानून बनाने में, धोखा जो हुआ वो ये समझा कि ये लोग गोश्त खाका के मुसलमान हो रहा है। अरे जनाब मोदी साहब, पीएम साहब, हम गोश्त खा के मुसलमान नहीं बने हैं, हम अपने नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान बने हैं। हम गोश्त खाए कि न खाए, सुन्नियों का नारा वही रहता है, या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम गवारा है, इतना तो कह दे कि तू हमारा है।
क्या बात है। और जब अल्लाह अकबर कहोगे तो जमीन से आसमान तक भर कर अल्लाह सवाब अता करता है। हम ये चाहते हैं सुन्नी भाई कि आप आज जलसे में आए हो तो कुछ लेकर के जाओ, बिगड़े हो तो सुधर के जाओ, गुनहगार हो तो पाक होकर जाओ, बीमार हो तो तंदुरुस्त होकर के जाओ। मगर शैतान कभी न चाहेगा कि सुन्नी सुधरे। क्यों? कुरान में मजरा दम, जिस तरह रगों में खून दौड़ता है हर मुसलमान के पीछे शैतान दौड़ रहा है। इन शैतान अलील इंसान उदुम मुबीन। शैतान कभी कभी जलसों से उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा, सोचता है कि इतनी हदीस सुनेगा तो ये सुधर जाएगा। बोले चाय पीने की ख्वाहिश नहीं हो रही, चलो ना चाय पी के आना, जब तक तो तकलीफ हो रही है ना। क्यों? सोचता है कि सुन के सुधर ना जाए, इसलिए आज उठना नहीं, शैतान का गलबा ना होने पाए, शैतानों पे आज का गलबा हो जाए आपका। तो हम चाहते पहले इलाके से हम शैतान ही को भगा दे कि न रहेगा ना आपको बिगाड़ेगा, भागेगा कैसे शैतान, फिर उसके बाद तकलीफ शुरू तो छू करोगे तो भागेगा, बड़ी ताकत है शैतान को, भागेगा कैसे, बोलो भगा देना पहले भाई, तो भागेगा कैसे। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताब सलात बाबुल अजान, मिश्कात शरीफ जिल्द अव्वल किताब सलात बाबु फजल अजान, हदीस नंबर 2 17 21 22 23 24। अन नबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला قال قال رسول الله صلى الله تعالى وسلم اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان له ذرات الله يسمى التاذن حتى اذا قضى النداء اقبل حتى اذا صوب ادبر الشيطان حتى اذا قضى التصويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا आप लोग क्या मस्जिद है भैया? बाप रे भाई, इस इलाके में मस्जिदें नहीं है, तब बोलो ना कुछ तो बोलो बाबू। तो मस्जिद में जो अजान होती है, जो पांचों टाइम, एक मत भी अजान न दोगे तो पूरे बस्ती वाले गुनहगार हो जाओगे। तो नबी फरमाते हैं जब कहोगे अल्लाह अकबर, जोर से कहो कि धीरे से कहो, मैक से कहो कि बिला मैक के कहो, जब कहोगे अल्लाह अकबर तो सरकार फरमाते शैतान बस्ती छोड़ के भाग जाता है। कितनी दूर भागता है? आला हजरत की किताब इज़ानुल अजर देखो, तमाम फकीहों की किताब देखो, मौलाना मुल्क में सबसे बिहारी की फतावा देखो, सब फकीहों ने लिखा है, कहोगे अल्लाह अकबर तो शैतान भागता है 36 मील, कमोबेश 55 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? बाप रे, तो सिवान से भी आगे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सिवान कितना किलोमीटर है, तो उसे भी आगे चला जाएगा। तो एक बार तो भगा दो तो तकरीर शुरू कर देते हैं, सब आदमी बोलो अल्लाह अकबर। नहीं वाह भाई, गोपालगंज में रह गया, अरे इसको 55 किलोमीटर दूर भगाओ ना, जोर से बोलो अल्लाह अकबर। भग गया भग गया भग गया। हजरत सैयद साहब कुल्ला, मैं सोच रहा था, मासीमुद्दला साहब, मैं सोच रहा कि योगी जी क्यों कहते हैं मैं शैतान नहीं देता। मैंने सोचा कोई मौलवी उसको सुना दिया होगा कि बिला मैक की अजान देने से 55 किलोमीटर दूर भागता है, अब मैक से अजान होगी तो कहीं आपको ना भागना पड़ेगा। अरे हम मैक से अजान दे कि बिला मैक की अजान दे, नबी ने फरमाया तो शैतानों को भागना है, बोलो शैतानों को, तो एक बार और भगा दो अल्लाहु अकबर। भाग गया भाग गया भाग गया, हाँ इलाके से भाग गया। मगर आगे हदीस सुनो, नबी फरमाते जैसे अजान खत्म हुई कि मर्दूद फिर आ गया, 55 किलोमीटर दूर भगा दिए थे, और जलसा के चारों तरफ फिर आ गया। आपका कहता है भगाए हो, निकलो जलसा से, पता चलाते घर जाएगा, घर जाएगा, और घर जाके मियाँ बीवी का झगड़ा लगा दे। तो आखिर में हम एक ऐसी हदीस सुनाएंगे एक घंटे के बाद कि किसी सुन्नी के घर में न शैतान जाए न बीवी या बीवी का झगड़ा लगाए। बोलो ना भाई, एक घंटा में वही हदीस सुनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। बोलो अच्छा रहेगा कि नहीं अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा, तो भगा दो भगा दो। तो मैंने कहा अरे भाई सुन्नी भाई, मर्दूद को भगाया था अल्लाह अकबर पढ़ के फिर आ गया। मैंने कहा हुजूर अजान दे के भगाए थे फिर आ गया, तो नबी फरमाते भगाना है, हाँ हुजूर फिर भगाना है। तो आए है नबी ने फरमाया नमाजी बन जाओ शैतान भागेगा। क्या बनो? मगर अफसोस तो इसका है, सुन्नियों जलसा इतना करते हो, सुन्नी के जलसों में नारा कौन ज्यादा लगाता जो बेनमाजी होता है, वो सोचता है नमाज नहीं पढ़ते तो नारा भी तो लगावे माद अल्लाह रब्बिल आलमीन। अफसोस की बात है, नमाजी बन के नारा लगाओगे तो नारा में बड़ा दम रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नारा ना लगाओ, पर नारा लगाने से पहले जरा नमाजी तो बन जाओ। नमाजी बनोगे तो चेहरे पे नूर रहेगा, दिल में सुरूर रहेगा, कब्र में भी नूर ही नूर रहेगा। अब मरोगे तो इंशाल्लाह आला हजरत का वो शेर पढ़ते हुए कब्र में जाना कि लहद में इश्के रुखे शाका दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले।
नमाजी बनो, एक दुआ करते हैं, बाद में तो सैयद साहब सरपस्ते जलसा दुआ करेंगे, एक दुआ हम भी कर देते हैं, आमीन कहो। मौला जितने सुन्नी भाई बहन है सबको नमाजी बना दे, आमीन बोलो ना बाबा, आमीन बोलो ना, सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, पंच वक्ता नमाजी बना दे, सीना को नबी का मदीना बना दे, खौफ का गंजीना बना दे, पिछले तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। तो नबी फरमाते हैं नमाजी बनोगे तो शैतान कैसे भागेगा, जब नमाज के लिए तकबीर पढ़ोगे, अब उसी हदीस का तर्जमा चल रहा है, तकबीर पढ़ोगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तकबीर होती ना नमाज की, तो फिर भाग जाएगा 55 किलोमीटर फिर, और जब तकबीर खत्म होगी तो फिर आ जाएगा, या अल्लाह, अजान दे के भगाया, तकबीर पढ़ के भगाया, अब काहे को आ गया, आप तो नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में हो, मर्दूद शैतान मस्जिद में आ गया, घर में नमाज पढ़ रहे हो घर में आ गया, मदरसे में पढ़ रहे हो मदरसे में आ गया, आप क्यों आ गया शैतान। तो हमारे नबी फरमाते हत्ता यक्तुलु बैनल मर्अ नफ्सिहि यकूल उस्कुर कदा उस्कुर कदा उस्कुर कदा, अब नमाज में आके शैतान नमाजी के सीने में वसवसा डालता है, क्या कहेगा मसलन, क्या कहेगा मसलन, किसी को 500 रुपया देके भूला गए थे, याद नहीं था 6 महीना से, तो नमाज में कहेगा शैतान है नमाज पढ़ते हो 500 रुपया फलाने को दिए थे याद नहीं है, तो नमाजी का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 500 रुपया तो भूला गए थे, लो नमाजे में याद करा दिया, कितना बड़ा मर्दूद है, बुखारी शरीफ में इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, नई नई शादी हुई है तो शैतान का आई जल्दी नमाज पढ़ो ना, बीवी संवर के बैठी है, फटाफट फड़ा जमान गया, अब बहुत बड़े कारोबारी हो, बहुत बड़े कारोबारी हो, बहुत बड़े गाँव को की लेने, और चले गए माँ सिबतुल्ला के पीछे नमाज पढ़ने, अब मौलाना ने शुरू कर दी सूरह बकरा, तो क्या कहता शैतान मुक्तदी को, ये इमाम को सुबह में बदल देना, कितनी लंबी नमाज पढ़ा था गाँव का के चला गया, अरे कितना बड़ा मर्दू शैतान है भाई, सबको डाल, आप लोगों को नहीं हम लोगों को भी छोड़ा, हम मौलवियों को पीरों को खतीबों को नहीं छोड़ा, क्या कहता है नबी ने क्या कहता है नमाज में पढ़ लेते हम 4 रकात तो भूला देता, कहता है 3 पढ़े हो 1 और पढ़ना होगा, कम सल्ला होता है कि नहीं, बोलो ना, कभी कभी आदमी फिक्र में 4 पढ़ चुका है और सोचता है 3 पढ़े 4 पढ़े यार याद ही नहीं, तो कहता है 1 और पढ़ लो 5 पढ़वा देता, शैतान शैतान कितना बड़ा दुश्मन है। तो ईमान से बोलो नमाज हुई, अरे कुछ बोलना बाबा, नहीं हुई, आप लोग मुफ्ती साहब हैं बहुत अच्छे, नमाज हो गई नहीं तो कयामत तक 2 रकात पढ़ते रहोगे क्या, जब नियत बात होगी तब कुछ ना कुछ याद आएगा, नमाज हो गई मसला समझो, बीवी याद आए नमाज हो गई, माँ याद आए नमाज हो गई, माल याद आए नमाज हो गई, बच्चे याद आए नमाज हो गई, ये तो बुद्धू टोपी वाले उधर वालों से पूछना कि अबे बुद्धू जब बीवी की याद आती है तो नमाज हो जाती है और नबी की याद आए तो नमाज क्यों ना हो जाए, बोलो हो जाएगी हो जाएगी, आला फरमाते जिक्र सब फीके हैं जब तक न मस्कूर हो वो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अभी अभी बंबई में मैं तकरीर कर रहा था, बंबई में हर महीने में इसलिए मैं तकरीर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्यों वहाँ 10:30 बजे जलसा खत्म, नहीं खत्म करोगे तो पुलिस आएगी सब सामान ले जाएगी, तो अच्छा लगता है, ना नकीब चाहिए ना शायर चाहिए, एक मुकर्रर चाहिए, और यहाँ तो बिहार में 10:30 बजे सपना में भी मेरा नंबर नहीं आएगा, भाई हमारा 10:30 बजे जलसा खत्म, तो तकरीर कर रहा था मैं तो एक मुल्ला आया, मुल्ला मुल्ला अपना नहीं उधर वाला, वो भी समझ गए कहे मौलाना, मैंने कहा वा जी, बोले कि नमाज में शैतान आता है, मैं कहा कहाँ से पढ़ के आया है जी, जब मेरे नबी ने फरमाया है तो आता है, नबी ने फरमाया तो आता है वसवसा डालता है, मैंने कहा मुल्ला जी आप लोगों की नमाज में शैतान नहीं आता है क्या, बोले नहीं हम लोग की नमाज में शैतान कभी नहीं आता है, तो मैंने कहा शैतान ने सोचा होगा ये तो बिरादरी वाला है, बोलो बोलो सुभान अल्लाह तआला, अरे जहां ईमान होगा शैतान वही न जाए, अल्लाह सारे सुन्नियों को शैतानों से महफूज फरमा दे, आमीन बोलिए ना, आमीन बोलिए आमीन बोलिए, सुभान अल्लाह अपने लोगों के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो दाएं कान में अजान बाएं कान में तकबीर पढ़ते हो कि नहीं, बोलो क्यों क्यों पढ़ते हो, वजह बहुत है उलमा से पूछना, और एक वजह मिश्कात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल वसवसा में है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ ना तो शैतान मर्दूद बच्चे का भी दुश्मन हो जाता है, बताओ तो बताओ 2 घंटे 2 घंटे एक दिन का बच्चा उसका दुश्मन, तो शैतान जाके बच्चे को ऐसे मारता है, तो नबी फरमाते जल्दी अजान दो शैतान को भगाओ, दाएं कान में अजान पढ़ो बाएं कान में तकबीर पढ़ो, बच्चा को शैतानों से बचाओ,
एक गांव में गए तकरीर करने भैया, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत खूबसूरत, इतना अच्छा चेहरा था कि दिल खींच रहा था, मगर बच्चे को था मर्ज, मुसीबियां फसली चल रही थी। कहा हजरत जरा दुआ कर दिए, एक महीना का बेटा है, ठीक हो जाए। मैं अरे दुआ तो कर दूंगा, मगर ये बच्चे को बीमारी क्यों हो गई जी? बच्चा पैदा हुआ तो अजान नहीं दिए थे क्या? तकबीर नहीं पढ़े थे? तो बाप ने कहा हुजूर क्या करे, जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था ना, उस दिन इमाम मौजिन दोनों छुट्टी लेके घर चले गए। हम कहा वाह रे सुन्नी वाह, नारा लगाने आया, इमाम पे हक है कि अजान देगा कि बाप पे हक है? अजान दो या दिलवाओ। सुनियो, तुम्हें नारा याद है, अजान याद नहीं है? काश बच्चे के कान में तुम अजान पढ़ दिए होते तो बेटा या बेटी बीमारियों से महफूज हो गया होता। आपको अजान भी नहीं आती है? एक बार सारा मजमा कह दो, भगा दो शैतान को, अल्लाहू अकबर। अच्छा एक बात और, उसके बाद तकरीर करूंगा। एक बात और, इतना बड़ा दुश्मन है शैतान, खबीस जिंदगी भर तो पीछा किया और मरने के बाद भी सुन्नी का पीछा पकड़ता। हम कह रहे बेहुदा, अब तो मर गए, अब क्या कर रहा है तू? तो सुनो क्या करता है, सुनो भाई, गौर से सुनना। इमाम तिर्मिज़ी नवादिर रसूल में फरमाते हैं कि जब भाई बहन कब्र में जाते हो और फरिश्ते पूछते हैं मन रब का, तुम्हारा रब कौन है, तो शैतान कोना में खड़ा होता है, तो शैतान इशारा करता कि मैं तुम्हारा रब यहाँ खड़ा हूँ ना, मादल्ला मुझकी तरफ इशारा करके कहता है ये कहो ना कि मैं तुम्हारा रब यहाँ खड़ा हूँ। तो आला ने फरमाया जल्दी अजान दो कब्र पे। फकीहों ने लिखा, साहिब रद्दुल मुख्तार ने लिखा कि जल्दी कब्र पे अजान दो, शैतान को भगा दो, ताकि भाई बहन शैतान बहकाने ना पाए और भाई बहन कब्र में फरिश्तों के सवाल में कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह तो बोल दो, सुभान अल्लाह। इसलिए हमारे यहाँ, अब आपके यहाँ है कि नहीं हमें नहीं मालूम है, पर हमारे यहाँ कब्रों पे अजान इसलिए दी जाती है कि हमारा भाई बहन कब्र में कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह। अब तकरीर शुरू कर दूं, बोलो कर दूं, तो एक बार और भगा दो शैतान को, जोर से बोल दो अल्लाहू अकबर। अच्छा अच्छा, रखिए रखिए, नहीं अच्छा है, मैंने आपका वो 10 वाला भी कबूल कर लिया, ऐसे 10 का नोट बचा के रखना है क्योंकि शोरा की फेहरिस्त बाकी है। 10 का नोट हमी को दे दिएगा तो शायरों को खो दीजिएगा, मुकर्रीरों को नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो समझ के देना चाहिए कि ये नोट शायर वाला है, खतीब वाला नहीं। नहीं भाई, सुभान अल्लाह बोलो, मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह। हजरत सुनो, बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा भी, मैं इतनी हदीसें हम अपने पीर मुफ्ती आदम सरकार के करम से इंशाल्लाह सुना सकता हूं कि जो अहले हदीस कहते हम हैं वो देख कर भी नहीं सुना सकता। क्यों क्यों? बेटा देखने के माँ की नजर चाहिए और हदीस पाक समझने के लिए इश्के रसूल की नजर चाहिए। बुखारी शरीफ जिल्दसानी पारा 20 सफा 720 बाहा इलादी मावा हदीस नंबर 1724 समझते हैं आप लोग? यहाँ भी समझते हैं 24 क्या? बहुत अच्छा। قال اخبرنا عبد الله بن محمد صلى الله عليه وسلم راج جبريل له 600 جناح حضور نے شب معراج سدرہ پہ دیکھا کہ اللہ نے جبریل کو 600 پڑھ دیا ایک پر کتنا بڑا रूहुल बयान जिल्द खामिस पारा 15 फी तफसीर सूरत इसरा सफा 119 17 19 20 कुल्लु जनाहिन कसद्दल उफ्क मा बैनल मशरिक वल मग़रिब। जिब्रील का एक बाजू इतना बड़ा फैला दे तो मशरिक के उस कोना में, एक को फैला तो मग़रिब के उस कोना में, ताकत इतनी कि सातों तबक जमीनों आसमान को जिब्रील सिर्फ दो परते इसे दबा दे तो टुकड़ा टुकड़ा कर दे। बोल जन्नती भाई, दो पर का यह आलम है तो 600 का आलम क्या होगा, पड़ों का यह आलम है तो जिब्रील का आलम क्या होगा, जिब्रील का यह आलम है तो हमारे नबी का आलम क्या होगा। चुनांचे शबे मेराज है, लामा का की मंजिल है, आका नर्ज का मौला तूने जिब्रील को 600 पर अता किया, मुझे क्या अता किया? तो इरशाद होता है मेरे महबूब सुन लो, मैंने यकीनन जिब्रील को 600 पर दिया है, मगर आपके गेसुए शफात के एक ही बाल मौला को इतना पसंद है कि जिब्रील के 600 पर भी उतने पसंद है। यही ना होता है कि जब जबरील फर फैलाता है तो मस्जिद से लेकर मकरी तक ढक लेता है, लोग कयामत की मंजिल होगी, आपके गुनहगार गुलाम होंगे और आपके गेसू के सदके में आपके गुनहगार गुलामों को बख्श दिया जाएगा। जब भी तो अल्लाह हजरत फरमाते हैं वो करम की घटा गेसू मुश्किसा लुक गए अपने रहमत में लाखों सलाम, और उस्ताद ज़मन फरमाते हैं उनके गेसू नहीं रहमत की घटा छाई है और उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है, और बाकी जन्नत
भी नहीं डाली, चमक आ रही है क्या मदीने पे फिदा हो गए बहार आ गया। सुनो शमाइल तिर्मिज़ी सफा 33 हदीस नंबर 2745 कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसरुद्दु नफीरा से व तसरीह फी लहियती, हमारे आका बालों में तेल बहुत डाला करते थे और दाढ़ी में कंघा बहुत फरमाया करते थे। सरकार आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कभी कभी सरकार जब रात में सोते थे तो मैं हुजूर के सर में इतना तेल डालती थी कि तकिया का गिलाफ कपड़ा भीग जाता था और तेल की बूंदे बाले मुबारक से टपक टपक कर सरकार के रुखसारे मुबारक पे आने लगती थी। मैं इतना तेल डाला करती थी। आला हजरत इसी को फरमाते हैं तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रदा सुबह औरिज पे लुटाते हैं सितारे। बोलो 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 सर में तेल डालना नबी की सुन्नत है, बोलिए ना किसकी सुन्नत है। और दाढ़ी में कंघा करना नबी, और जिसकी दाढ़ी नहीं वो सुन्नत कहां पे अमल करेगा? दाढ़ी वाला ना सुन्नत में करेगा क्यों नहीं भाई, और जिसकी दाढ़ी नहीं क्या वो चमड़ा उड़ाएगा? अरे हाय सुन्नी डूब कर पानी में मर जाओ, तुम कैसे नबी के दीवाने हो। एक पंजाबी को देखो ना बुढ़ा की दाढ़ी करती है, न जवान की करती है, न शादी वाले की करती है, न बिन शादी वाले की करती है, तुम कैसे सुन्नी हो बैठ के इतना बड़ा लगाते हो और सुबह होती ही नबी की सुन्नत में मशीन चला देते हो। इसी का नाम सुन्नी है कि हम दामन नहीं छोड़ेंगे मगर नबी की सुन्नत को मुर्दा करेंगे। माशाल्लाह सरकार फरमाते जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा कर देगा अल्लाह उस सुन्नी को 100 शहीद का सवाब अता कर देगा। हम ये चाहते तकरीर शुरू करें मगर पूरे मजमा से ज्यादा नहीं, पूरे मजमा से एक सुन्नी दीवाना हमको चाहिए जो सैयद साहब के हाथ पे हाथ देके तौबा कर ले कि हुजूर मैं वादा करता हूँ आज से नबी की सुन्नत को जिंदा करूंगा, अपने चेहरे पे नूर छोड़ूंगा, नबी की सुन्नत पे मशीन नहीं चलाऊंगा, अभी दुआ कर दूंगा जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। है कोई एक दीवाना? बोलो पूरे मजमा में कौन दीवाना है, आ जाओ सैयद साहब से मुसाबा कर लो। जो दाढ़ी रखोगे अपने चेहरे पर बस जनादा निकल गया सुन्नी हो तुम्हारी मोहब्बत का, एक दीवाना हो बस एक दीवाना। ए भाई जल्दी करो ना हम हदीस। हाँ 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 देखो हजरत देखिए कितना अच्छा बच्चा है। अच्छा क्या नाम है बेटा, क्या नाम है? बाबू। ए बाबू वहीं रहो एक मिनट, तेरा सर कयामत में फख्र से ऊंचा रहेगा, तुमने अभी तौबा की है, मदीने वाले सरकार तुमसे राजी हो गए। सरकार क्या राजी हुए तुमसे, तुम्हारा खुदा राजी हो गया है। चेहरे पे नूर रखना ताकि चेहरा बता दे कि ये मुसलमान का बच्चा है, गौस का चाहने वाला है, खाजा का दीवाना है, मदीने वाले सरकार का सच्चा गुलाम है। एक दीवाना अच्छा रख दो वहीं रख दो बाबू, खुर्शीद बाबू रखो 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 खुर्शीद आलम बाबू। बहुत अच्छी हदीस सुनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छे है तुम कि मेरी जबान की लाज तो रखी तुमने। एक बंदा उठा तो कि हम नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, एक आदमी तौबा करता है तो पूरा जलसा कबूल हो जाता है, एक आदमी तौबा करता है तो पूरे बस्ती में रहमत की बरसात हो जाती है। आपने तौबा किया है आज का पूरा जलसा कबूल हो रहा है, मगर मगर इसके बाद फिर न कहूंगा हदीस सुनाऊंगा। हम ये चाहते हैं कि ये कयामत में अकेले हाथ भांसता चलेगा, इसका कोई दीवाना मिल जाता साथी ताकि दोनों भाई हाथ में हाथ डाल के चलता कि हम दोनों ने जलसा में असना क्या नाम है गांव का हो संदा में तौबा किया था। है एक दीवाना? बोलो एक दीवाना, बस बोलो एक दीवाना आ जाओ। कौन है एक दीवाना जो इसके हाथ में हाथ डालकर कयामत में उठेगा कब्र से? बोलो ना भैया। अरे बस गाँव बिन दाढ़ी वालों सब दाढ़ी वाले हो गया। एक दीवाना हजरत हजरत सैयद साहब क़िबला आ गया दीवाना, आ जाओ तुम भी आ गए, आ जाओ। सुभान अल्लाह रखो बेटा रखो। हाँ सुभान अल्लाह तीन हो गए। ए भैया अगर कम से कम आप हरकत नहीं करते तो जमान को भी तो हिला दो। बोलो नारे तकबीर नारे रिसालत गौस का दामन। तीन आदमियों ने तौबा की है, आपको कुछ पता भी है? कुछ पता भी है? पूरे भारत का मुसलमान सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी रख ले तो किसी हथियार की जरूरत नहीं है। जिस प्लेटफार्म पर 500 दाढ़ी वाले मुसलमान नजर आओगे कुफर तो दाढ़ी लेकर ऐसे ही हिल जाएगा। कितने दाढ़ी वाले कहां से आ गए हैं मर्दा, तुम दाढ़ी रख के तो देखो कैसा कुफर हिलता है और कैसा इस्लाम का गलबा हो जाता है। मगर तुम नबी की सुन्नत को मुर्दा अपने हाथों कर रहे हो। अल्लाह अकबर। सुनो ओहो ए भैया एक बात सुनो, अरे भैया एक बात सुनो। सर में तेल डालना नबी की सुन्नत है। हजरत हजरत
असंदा का कोकना, अरे यार ये सब दूसरे गांव का है, तो असंदा का एक को तो आ जाओ सनसनाता हुआ। अरे असंदा का कोई सनसनाता आ जाना भाई, असंदा का हम दुआ कहे याद रख लेना, डारी रखोगे तो कितना फायदा होगा हम बताते हैं। कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, रोजी में बरकत हो जाएगी, उम्र में बरकत हो जाएगी, माल बढ़ जाएगा, मदीने वाले राजी हो जाएंगे। असंदा का एक आदमी आ जाओ, कौन बोल, हाँ वही तो कह रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, देखिए वह नारे तकबीर हजरत से, हजरत नारे रिसालत हजरत भाई साहब माशाल्लाह। देखिए आजकल लोग शर्माते हैं, हाँ हाँ नहीं अच्छे हैं आप, अच्छे हैं, सुनिए एक बार, सुनिए भाई साहब, ये सुनिए ना एक बार, अब सुनिए सुनिए, क्या नाम है आपका, देखिए ये नबी की सुन्नत है। अगर दाढ़ी रखना जरूरी नहीं होता, औरतों को दाढ़ी निकलती है क्यों, उसको जरूरी नहीं है, सर का बाल जरूरी है, कोई औरत को सर का बाल छिलाते देखा है क्यों, बाल औरत की जीनत है और दाढ़ी मर्दों की जीनत है, तो कैसा बेवकूफ मर्द है ये जो अपनी जीनत को अपनी मशीन चला रहा है, सरकार की सुन्नत है। सुनो माहिर अदबियात पाकिस्तान के प्रोफेसर मसूद देलवी ने लिखा है, जो मुसलसल दाढ़ी छिलाएगा तो छिलाते छिलाते आखिर वक्त में वो हिजरा हो जाएगा, ना मर्द हो जाएगा, क्योंकि सुन्नत भी है और इसका ताल्लुक कुव्वत बाह से भी है। तो अल्लाह ने मर्द पैदा किया तो दाढ़ी छिलाकर हिजरा क्यों बन रहे हो, अल्लाह ने मर्द पैदा किया है तो मर्द बन के रहा। बैठिए बैठिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। हुजूर शेर साहब ये तो बताइए, अपना बिहार है, हमने अमेरिका में तकरीर किया तो 100 जवान अमेरिका में उठ के खड़ा हुआ, कहा हुजूर हमको नहीं मालूम था तो न हम मशीने न चलाते, आज तौबा करते हम दाढ़ी रखते। बताइए तो अमेरिका जैसी धरती पर पैंट पहनता था शॉर्ट और चेहरे पर नबी का नूर लगता था, ये बिहारी मुसलमान हमारा, हम भी तो बिहारी है बाबा, हम कोई तोरू यूपी से और लंदन से आए हैं, हम भी आपके बिहार ही के हैं। या और बात है कि ये बिहारी मौलवी अमेरिका में तकरीर किया, हॉलैंड में किया, जर्मन में किया, फ्रांस में किया, बेल्जियम में किया, दुबई में, अबू जहबी में, अफ्रीका में, लसेथो में, हरारे में, मोजम्बिक में, मॉरिशस में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में, कराची में, हैदराबाद सिंध में, पर खुदा की कसम इंडिया के बाहर जहां भी गया, जिस मुल्क में गया, जिस जलसे में गया, तो वहां के दीवानों को देखा, हर जलसे में मसले के आला हजरत का नारा जरूर लगा रहा था। जरूर लगा रहा था भाई, माशाल्लाह ये है आला हजरत भाई साहब। तो सर में कुछ नौजवान हजरत तेलो न डालता है सर में, क्या कहता है बाल बिगड़ जाएगा, बाल बिगड़ जाएगा, तो ऐसा दर्द होता है सर में कि डॉक्टर कहता भाई, अरे भाई समझ में नहीं आता दर्द क्यों नहीं खत्म, जाओ एम्स में जाओ दिल्ली, और दिल्ली से भी थक गए तो कहता भाई हमारे समझ से बाहर है, चले जाओ लंदन, तो हम एक इलाज बता देते हैं ना भैया, न दिल्ली जाना ना लंदन जाना ना डॉक्टर के जाना, सर का दर्द नहीं ठीक हो रहा है तो नबी की सुन्नत पे अमल करो, कल से जब भी सोना हो तो सरकार की सुन्नत समझकर सर में तेल डाल कर सोना, ताकि सुन्नत रसूल पे अमल हो जाए और सुन्नत के सदके में धीरे धीरे सर का दर्द दूर हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सर में डाल डालना तेल डालना नबी की सुन्नत है। और दाढ़ी में कहां, कभी 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 सरकार, एक हदीस पढ़ी मैंने कि कभी कभी एक दो दिन सरकार दाढ़ी में कंघा करना तर्क भी फरमा देते थे, तो मैंने सोचा बाप रे बाप कितना करम है नबी का। कभी कभी हम लोग सफर में ट्रेन में होते थे, कंघा नहीं रहता नहीं, तो हम कहा इसी हिकमत से हुजूर ने छोड़ा होगा, सुभान अल्लाह, इसी हिकमत से, क्या करम है मेरे नबी का रहमत वाले। बाप तेल और कंगा की तो सुन लो एक हदीस, मिश्का और शरीफ जिल्द सानी सफा 561 फसल 40 हदीस नंबर 2 17 21 22 23 24 अन आयशा रजील्लाहु तआला अन्हा قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجري اذ قلت يا رسول الله وليكن احد من الحسنى قد نجوم السماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر فقلت يا رسول الله فاين حسنات ابي بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم جميع حسنات عمر كحسنة واحدة من حسنات ابي بكر سبحان الله اے بھیا بھیا چاندنی رات ہے چاندنی رات ہے اور سرکار
अपना सरे मुबारक अपनी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा के गोद में रख के आराम फरमा रहे हैं। उस गोद की मेराज हो रही होगी जिस गोद में मेरे नबी का सर रहा होगा। बीवी वालों जिसको बीवी हो वो बोलेगा, कभी आप बीवी के गोद में सर रख के सोए हो? बोलो ना, हम तो सुन्नी हैं, कैसे सोएंगे, शर्म आती है। रे है न सोए तो गुनाह नहीं हुआ, मगर बीवी जिंदा हो तो कभी जिंदगी में दो मिनट सही बीवी के गोद में सर रखकर जरूर सो जाना, ताकि नबी की सुन्नत पे अमल हो जाए। ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार आयशा ने खिदमत करते करते खिदमत में मशगूल हैं, अर्ज का हुजूर एक सवाल है जवाब दीजिए। बोले पूछो। बोले आसमान में जितने सितारे हैं कोई गुलाम है उसके पास उतनी नेकियां हो? हजरत आयशा का सवाल बताता है कि उनका अकीदा था कि मेरे नबी को पता है कि आसमानों में सितारे कितने। बोलो ना भाई, है कि नहीं? ये बुद्धू टोपी वाला कहां से पैदा हो गया? बोलते नबी को कुछ पता नहीं है। अपना अकीदा अपने पास रखना। हम सुन्नियों का अकीदा वही है जो हजरत आयशा का अकीदा है। हमारा अकीदा है कि नबी को पता है आसमानों में क्या है, जमीनों में क्या है, जर्रे जर्रे का पता है। आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ हो। आयशा आयशा मेरा उम्र है उसके पास उतनी नेकियां हैं जितने आसमान में सितारे हैं, जरा ठीक ठाक से सुनाओ। तो हजरत आयशा ने कहा हुजूर मेरे बाप अबू बकर के बारे में क्या ख्याल? सरकार ने फरमाया आयशा अबू बकर की एक नेकी एक पल्ले में, उमर की जिंदगी भर की नेकियां एक पल्ले में, तो अबू बकर की एक नेकी उमर के सारे नेकियों पे भारी है। कौन सी नेकी है? सुनो, नमाज नहीं, रोजा नहीं, मक्का में है पहाड़ जबले सौर जिसमें एक है गारे सौर, हिजरत की रात सरकार उसमें आराम फरमा रहे हैं। उस गार में 70 सुराख थे, सबको कपड़ों से बंद कर दिया, एक पांव सुराख बाकी रह गया, यारे गार ने उसमें तलवा लगा दिया। सरकार यारे गार के जानों पे सर रख कर सोने लगे। 500 साल से ईसा अलैहिस्सलाम में एक सांप उसमें रहता था। सांप को यह खबर थी कि आखिरी नबी इस गार में एक दिन आने वाले हैं, तो सांप गार से निकल के कहीं नहीं जाता था कि ऐसा ना हो कि आ जाए चले जाए ज्यारत ना बन पाए। सुभान अल्लाह। सांप ने ठोकर मारा, अबू बकर हटाओ हटाओ, नहीं हटाऊंगा। बोले मारे गार हूं। बोले मैं भी यारे गार हूं। बोला डसूंगा, होश ना आएगा, मैं भी ज़ियारत करने आया हूं। तो यारे गार ने कहा सांप जितना डसना है डस लो, नबी के नींद में खलल आए गवारा ना करूंगा, जान तो दे सकता हूं पर हरकत नहीं कर सकता हूं, मर सांप डसने से पहले सुनो काटने से पहले सुनो मैं किस नबी का दीवाना हूं। चलो परेली आला हजरत से पूछो, फरमाते हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह। सांप डसता रहा है भाई, सांप डसता रहा, जहर असर करता रहा। यार गौर के दो कतरे आंख के आंसू नबी के रुखसार पे गिर गए। मेरे आका बेदार हुए तो सरकार ने लुआबे पाक होता ना, लुआबे पाक जहां सांप डसा था इसे लगा दिया, तो सांप के जहर का असर लुआब लगाते ही खत्म हो गया। जो कहते हैं नबी हमारी तरह लड़ना नहीं, कहना तुम्हारे कबीले में किसी बच्चे को सांप नहीं बिच्छू नहीं बिरना डसे बिरना, हजरत जी को कहो तो थूक लगावे तो हजरत जी भी मर जाएगा बच्चा भी मर जाएगा मगर बिरना का असर नहीं खत्म होगा। बुधवार तुम थूको तो स्टेशनों पे भी लिखा हुआ मिलता है यहाँ थूकना मना है, यहाँ थूकना जुर्म है, यहाँ थूकोगे तो 200 रुपया जुर्माना देना होगा। क्यों? तुम थूकोगे गंदगी पैदा हो जाएगी, नबी थूक देंगे तो बरकत पैदा हो जाएगी। जब नबी का लुआब ऐसा है तो मेरा नबी कैसा होगा? आला हजरत से पूछो, फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है कि मेरी जान। चुनांचे सुनिए लुआब की बातें तो कभी सुना देते हैं। बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 16 बाबू किस्सति मिम्मन शहद बदर हदीस नंबर 1 अन अब्दुल रहमान इब्न औफ قال اني لفي الصف يوم بدر اذا تفلت يميني ويساري فذن حديث حسن فقال يا ام ارني ابا جر فقلت ما تصنع قال يا احد الله ان رايت انا متوقت له। भाई साहब तर्जमा सुनोगे तो लगेगा संदा में नहीं है, गुंबदे खदरा के साए में आ गया। अगर आप लोगों की इजाजत हो बात गुंबदे खदरा की तो दो शेर मैं भी सुना देता हूँ।
बोलो ना सुना दूं तो जरा सुभान अल्लाह बोलोगे जब ना सुना दूंगा। शायर कहता है, या रसूल अल्लाह गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की कजा मांगी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक जगह है बदर, बदर मदीना शरीफ से 100 किलोमीटर के कमोबेश फासले पर है। वहां इस्लाम की पहली जंग हुई थी 2 हिजरी को 17 रमजान शरीफ को, इसलिए उस जंग का नाम है जंगे बदर। मुसलमान से सिर्फ 313 निहत्ते भी थे, भूखे प्यासे भी थे, रोजेदार भी थे, कुछ हथियार वाले भी थे। इनके तादाद में कुफार हजारों की तादाद में, तो उस जंग में बहुत गौर से सुनो इस हदीस को, मुसलमान सुन्नी मुसलमान के 2 बच्चे आए है। वो बच्चे कैसे थे? कमसिन थे, कमसिन समझे, नाबालिग थे, बालिग नहीं थे, बालिग नहीं थे, मगर बच्चों का जज्बा देखो, नबी का इश्क देखो। एक का नाम माज है, दूसरे का नाम मऊज है। दोनों भाई तलवार लेकर चले गए मैदान जंग में, और उनके चचा अब्दुल रहमान तलवार चला रहे थे। कहा चचा चचा ठहरो, बताओ तो इसमें अबू जहल कौन है? चचा ने कहा, अरे बेटा कहां से आ गया तू, तू तलवार चलाने के लायक नहीं है, दुश्मन का वार रोकने के काबिल नहीं है, अबू जहल को पूछने आ गया, जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो दोनों भाइयों ने कहा, चाचा कैसी बात कर रहे हो, हमने अल्लाह से वादा किया है, मुआयदा किया है, देखेंगे तो काट देंगे, न काट सकेंगे तो दोनों भाई खुदा के राह में शहीद तो हो जाएंगे, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। चचा ने कहा, बेटा ऐसा जज्बा है तो देखो, वो काला काला उठा, अबू जहल वही तो गड़ा है। अरे भाई बुखारी शरीफ तो सुनो, दोनों भाई तलवार लेके दौड़, ऐसा दौड़े ऐसा झपटे कि हदीस में दोनों भाई ने इतनी तलवार चलाई कि बच्चा देखिए, बचपना देखिए, इश्क देखिए, जज्बा देखिए, इतनी तलवार चलाई कि तलवार चलाते चलाते दोनों भाई ने अबू जहल को काट दिया, खात्मा कर दिया, जहन्नम रसीद कर दिया। अरे बाबा दोनों भाई ने काट दिया, तो मारे खुशी के जब वापस आ रहे थे तो हजरत मऊज के कांधे पर किसी ने तलवार मार दी, हाथ कटके हो गया, अलग जमीन पे गिर गया। अब बच्चा देखो तरपा नहीं, रोया नहीं, फजाला यहमलो यदहु, तो उठा लिया कटा हुआ हाथ और गया नबी के पास, या रसूलल्लाह अबू जहल का काम तो मैंने पूरा कर दिया, मगर किसी काफिर ने मेरा हाथ काट कर अलग कर दिया। तो नबी की शान देखो, क्या किया नबी ने, वबसक फीहा वअलसकहा, तो हजरत मौस फरमाते हैं नबी ने मुस्कुराया, कटे हुए बाजू पे नबी ने थूक दिया, और थूकने के बाद बाजू को मुंडे में से सटा दिया, तो सटते ही मेरा हाथ ठीक हो गया, अब पहले से ज्यादा ताकत वाला भी हो गया। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, तो बोलो लुआब ऐसा है तो मेरा नबी कैसा होगा, सुभान अल्लाह। सुनो ना, अल खसाइस अल कुबरा है, जिल्द अव्वल है, सफा 205 है, 74-5 है, रुमयत बिसहमिन यौम बद्र फफकतैन फबसक फीहा वदाली फमा अदानी फीहा शय। जंगे बदर में एक सहाबी थे, किसी काफिर ने तीर मारा, साहबी की आंख फूट गई, बह गई बह गई, यही किसी की आंख फूट जाए तो डॉक्टर ठीक कर सकता है, रोशनी दे सकता है, एक आंख का वो अंधा हो जाएगा। तो गए नबी के पास, हुजूर हुजूर किसी ने तीर मारा, मेरी आंख की पुतली बह गई, आंख फूट गई। तो नबी ने फसक फीहा, साहबी कहते नबी ने फूटी हुई आंख में थूक दिया, वदाली और नबी ने दुआ फरमा दी, तो थूकते ही आंख की रोशनी दोबारा वापस हो गई, और जब तक जिंदा रहा उस आंख में कभी बीमारी भी नहीं हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लुआब ऐसा है मेरा नबी कैसा होगा, अल्लाह हजरत से पूछो ना, फरमाते हैं वो कुमारी पाक मरियम, मनफक्तो फीहे कदम अजब निशान आजम, मगर आमना का जाया वही सबसे अव्वल आया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे जक न जक बनाया, और वही रब है जिसने तुझको हमें तर करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम दे खुदाया, तुझे हम दे खुदाया। भाई साहब सुनो, लो आपकी बात है तो बुखारी शरीफ की एक हदीस और सुनाता हूँ, अगर फकीर चाहे तो सरकार के लुआब पर ही 2 घंटा बोल दे, मुझे कदरी सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह क्या प्यारी हदीस याद आई है, लगता है अभी अभी बरेली शरीफ से वो हदीस इस कंप्यूटर में आ गई है। हाँ भाई अभी अभी सुना दूंगी, छोड़ दूं, बोलो ना।
तो बुखारी शरीफ गिलदस्तानी 1216 बाबू गजवत खंदक सफा 589 75678 9 फसोहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक अन्न जाबिर कसना सूरन रहय हलाबकुम वला तुसलन नबरमतकुम वला तुखबदन अजीनकुम वजीतो जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकदम الناس हे भाई साहब तर्जमा करने से पहले अचानक एक पीर का वाकया याद आ गया है, वो भी सुना दे। कहा पीर साहब, पीर साहब का अभी अभी हुजूर यूपी में गए थे। ए माता यूपी में माता सिंह यूपी नाम नहीं लेंगे शहर का, वल्लाह खुदा का भाई एक लफ्ज नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या कहा वहाँ के कुछ मोहल्ला वाला, हुजूर हमारे मोहल्ला में एक पीर आता है। बोले अच्छा है ना जी पीर आता है, तो बोले अच्छा तो है, मगर पीर का कहता है जो जो हमसे मुरीद हो जाएगा सबकी नमाज माफ कर देगा। हम करे तो तौबा सुन्नी, तू पेशाब पीता है कि पानी पीता है जी? तुमको अल्लाह ने अकल नहीं दिया है क्या? जब नबी पे नमाज माफ न हुई, गौसो खाजा पे न हुई, हसनैन पे माफ न हुई, सरकार फातिमा पे न माफी, तो वो कैसा पीर है जो कहता है नमाज माफ हो जाएगी? इस मौलवी की एक बात मानो, वो पीर आइंदा आए ना तो दोनों पैर तोड़ देना, न पैर रहेगा ना पीर मोहल्ला में आए। उसका इलाज क्या होगा? बुनियान ये नहीं इलाज होगा। हजरत कर्नाटका में गए ना, कर्नाटका में इसे पीर बहुत है, सर पे साफा, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में आशा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 24 घंटा उसके साथ रहा, एक वक्त नमाज ना पढ़ा। हम कह रही कैसा पीर है भाई, एक वक्त नमाज नहीं पढ़ा? तो मुरीदों ने कहा चुप रहिए चुप रहिए। बोले क्या हुआ? बोले पहुंचा हुआ है पहुंचा हुआ है। अरे नमाज नहीं पढ़ा तो पहुंचा हुआ कैसे हो गया? बोले हुजूर बहुत पहुंचा हुआ। अरे हमको भी समझ में आ गया ये पहुंचा हुआ है। बोले आपको क्या समझ में आया हुजूर? मैंने कहा जहन्नम में पहुंचा हुआ। ए भाई बोले बात नहीं पड़ेगा, पीर बनेगा तो जहन्नम में ना पहुंचेगा? बोलो ना भाई। एक पीर का वाकया याद आ गया, उस पीर का नाम कसम खुदा की उसकी धूल भी मिल जाए कदमों के तो ये अबुल हक्कानी अपने आंखों का सुरमा लगाकर मुकद्दर पे नाज करे। उस पीर का नाम है ख्वाजा अबुल हसन फरकानी। उनके एक मुरीद का नाम है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी सोमनाथ पे हमला करने 2 दिन गए, लश्कर लेकर हार गए। तीसरी रात में देखो पीर का जुब्बा रख के दुआ किया, मौला मेरे पीर ख्वाजा अबुल हसन खरकानी का ये खरका शरीफ है, अपने पीर के खरका का वसीला देता हूँ, जुब्बे के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा ले, कल सोमनाथ पे फतह फरमा ले। कल होकर गए तो पूरे सोमनाथ को जीत लिया। ईमान से बोलना, जुब्बा ऐसा है तो पीर कैसा होगा? और जोर से बोलो पीर ऐसा है तो मेरा नबी कैसा होगा? मगर पीर साहब तो इतने अच्छे, मगर पीर के घरनी में बीवी में एक बड़ी कमी थी, बहुत गर्म। जब पीर साहब जाकर बीवी अस्सलाम वालेकुम, तो बीवी का वालेकुम अस्सलाम, और बरका पीर साहब हैं, मुरीदों में घूमते हैं, छुट्टी नहीं रहती है। तो पीर साहब ने सोचा अल्लाह पूरी दुनिया कदम चूमती है, बीवी डांट पिलाती है, अब पूरी दुनिया कदम और हाथ चूमती है। मगर पीर साहब ने कहा कि नबी ने फरमाया, गौर से सुनो है सुन्नी भाई, नबी ने खुलकना मिंदलिन, औरत पसली से पैदा हुई, नबी ने कहा टेरी रहेगी रहने देना, औरतों को अकल कम होती है, हर गलती पर नजर उंगली मत रख देना, नजर अंदाज करते रहना वरना तलाक देनी पड़ेगी। तो पीर ने कहा बीबी जितना गर्म होना है हो जाओ, जितना बोलना है बोलो, धोलाई करूंगा नहीं तलाक दूंगा नहीं। एक दिन मुरीदीन आए, मुरीदीन मिलने के लिए पीर साहब गए थे, वाह दरवाजे पे दस्तक दिया, पीरानी माने का कौन? बोले हम लोग हजरत से मिलने आए हैं। तो पीरानी माने पर्दे से कहा यहाँ कोई हजरत नहीं रहते हैं। बोले हमारे पीर साहब का घर है, बोले यहाँ कोई पीर नहीं रहता है। अरे मुरीद का दिल टूट गया कि अल्लाह क्या होगा। तो पीरानी माने का पीर से मिलना है तो जाओ 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 जंगल में जाओ, देखो अपने पीर को। भाई गौर से सुनना, जब जंगल में के तो क्या देखा, उनके पीर शेर पर बैठे आ रहे हैं। बोलिए ना काहे पर बैठे हैं? तो मुरीद परेशान, या अल्लाह मेरा पीर इतना पावर वाला कि शेर पर सवारी है, अब पीरानी माँ ऐसी जबरदस्त के पीर पर सवारी है, अब क्या होगा? अरे भैया हजरत पीर ने मुरीद का चेहरा देखा, समझ गया का बेटो आज तुमको भी सुनाया है क्या? सबर करो सबर करो, तुम तो एक दिन सुने हो, मैं तो रोज सुनता हूँ, मगर अब नतीजा समझो। ऐ सुनियो बिगड़ चुके हो इल्ला माशाल्लाह। पीर ने कहा बाबू जंगल का शेर क्यों कब्जे में है? गौर से सुनो, जंगल का शेर क्यों कब्जे में है? कि जब से बीवी का गरम गरम सुना, अब बीवी को तलाक नहीं दिया सबर कर लिया, तो सबर का बदला अल्लाह ने ये दिया है कि जंगल के शेरों को मेरे कब्जा में कर दिया है।
देखा देखा बीवी का सबर क्या तो शेर का जंगल, जंगल का शेर जो है पीर के कब्जा में है। ये सुन्नी नारा इतना लगाएगा, हमारी बहन दो बोलेगी तो ये तीन तलाक दे देगा, डूब कर बढ़ जाओ। फौरन तलाक नहीं देनी चाहिए, तलाक दी जाती है कब आपको नहीं मालूम है, बात बात में तलाक नहीं देनी चाहिए। आप भी सबर कर लोगे अल्लाह आपका भी दर्जा बढ़ा देगा, आपका भी दर्जा बढ़ा देगा। बिलफर्ज तलाक हो भी जाए, अव्वल तो तलाक देना नहीं है, और तलाक हो भी जाए तो सुन्नियों खुदारा दुनियावी कोर्ट में मत जाना। उलमा काहे के लिए है, ये मदारिस काहे के लिए है, ये दारुल इफ्ता क्यों है, तुम इनकी बारगाह में क्यों नहीं आते हैं, आते हो ये तुम्हारा मसला हल फल करेंगे। वरना कोर्ट वाले हजरत कानून वो बना रहा है, वो पीएम साहब जो बरसों से अपनी बीवी को छोड़ के बैठा हुआ है, हमको कहता है तलाक नहीं देनी चाहिए, अपनी बीवी की फिक्र नहीं, हमारी बहनों की फिक्र कब से होने लगी है। तो पीर साहब ने क्या कहा, सुनो भाई, पीर ने कहा मौला बीवी का गरम गरम सुना तो तूने इतना पावर दिया, इतनी बड़ी करामत दी सबर का बदला कि जंगल का शेर मेरे कब्जे में सवारी है मेरी, तो मौला एक करामत और दे दे कि बीवी जरा मिजाज, बीवी का बहुत गर्म है, ठंडा तो हो जाए मिजाज, गर्म है ठंडी तो हो जाए, कब तक गरम गरम सुनूंगा मौला। तो अल्लाह ने एक करामत दी, मन घड़त बात नहीं है, निकाह सुन्नत उस किताब में है, सुन्नी की किताब है, देवबंदी की किताब है, दिल हिला देने वाले वाकयात, देवबंदी ने भी इस वाक्य को लिख दिया है, तो चलो दोनों ने लिखा है ताकि वो इनकार न करे कि मौलवी कहां से बयान किया, तुम्हारे मौलवी ने दिल हिला देने वाले वाकयात में और खुद बात ज़ुल्फ़क़ार में लिखा है माशाल्लाह। तो क्या कहा पीर साहब ने, करामत दे मौला। तो पीर साहब जब शेर से उतरे तो हवा में उड़ने लगे, हाँ, और उड़ के गए अपने घर पे, खूब उड़े खूब उड़े खूब उड़े, उड़ने के बाद घर गए, कहा बीबी अस्सलाम वालेकुम, बीबी ने कहा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बरका पीर साहब है, पीर तो वो है जो हवा में उड़ता था, बोले तूने देखा, बोले अपने ही घर के ऊपर तो उड़ रहे थे, अपनी नजर से देखा है, कहा कमबख्त पहचानती भी नहीं, हम ही ना उड़ रहे थे, बोले टेढ़े टेढ़े तो उड़ रहे थे, उड़ने भी तो नहीं आ रहा था, फिर भी देखा, फिर भी बेचारे पीर साहब की खैरियत नहीं, मगर बताना है कि तलाक नहीं दिया, नतीजा ये बताना कि तलाक नहीं दिया। तुम कैसे सुन्नी हो जो बात बात में बीवी को तलाक दे देते हो, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, घर बिगड़ जाता है, माहौल बना बनाया खराब हो जाता है, तलाक मत देना। एक मामा सिफतुल्ला साहब, मैं अपने मदरसा में बैठा था, उसके बाद उस हदीस का तर्जमा करता हूँ, एक देहाती आया चेहरा उतरा था, मैं कहा बाबू क्या बात है, बोले हुजूर बीवी से झगड़ा हो गया, ताबीज लेने आए हो क्या, तो कहा नहीं तावीज तो नहीं चाहिए, तो मैं कहा नबी फरमाते झगड़ा खत्म करना हो मियाँ बीबी का तो सलाम कर लेना, बीबी सलाम कर लेगी शोहर कर ले, जो सलाम कर लेगा उसी वक्त मियाँ बीबी का झगड़े खत्म हो जाएगा, हाँ हदीस शरीफ है, तो जाओ सलाम कर लेना झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो कहा हुजूर सलाम क्या करेंगे, बोले कहे, बोले हुजूर गुस्सा में तलाक दे दिया है ना, अरे यार तलाक दे दिया है, हाँ हुजूर दो बच्चे हैं, कोई रास्ता है तो निकाल दीजिए, गुस्से में दे दिया है कोई रास्ता है, मैंने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तलाक तुम दो रास्ता हम निकालेंगे, कितनी तलाक दिया है जी, तो देहाती ने हमारा पसीना निकाल दिया, बोले हुजूर ज्यादा नहीं सिर्फ ढाई तलाक दिया है, हम कह रहे यार ढाई तलाक तो कोनो किताबे में नहीं बाबा, हाँ कोनो किताब में नहीं, जवाब कैसे होगा रे बाप, अरे जवाब कैसे होगा, न फतावा रसविया में, न फतावा अमजदिया में, न फतावा शाहरे बुखारी में, अरे भैया ये तो किसी किताब में नहीं ढाई तलाक है, दिया कैसे, तो देहाती ने कहा हुजूर नहीं समझे, दो मर्तबा का तलाक दिया, तलाक दिया, और तीसरी मर्तबा का तलाक दिया कि न दिया कुछ नहीं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, आज पूरे हिंदुस्तान में जुलूस निकल रहा है, ऐसा काम क्यों करते हो आप, तलाक क्यों दे देते हो, आप कहोगे हुजूर तो क्या करे कब्जे से बाहर है, फिर भी तलाक नहीं देना है, कब्जे से बाहर है तलाक नहीं देना है, तो क्या करना है, तो इलाज बताता हूँ क्या करना है ना, ए, कुछ बीवी कब्जे से बाहर हो जाती है ना, लाख मना कीजिए वो बाजार चली जाएगी, लाख मना कीजिए झोला उठा के मैके चली जाएगी, लाख मना कीजिए तो सहेली क्या चली जाएगी, तो कहता शोहर क्या करे हुजूर तो बातें नहीं मानती है, तो कुरान में के तलाक ना दे, तो क्या करे मौला ये तो बिगड़ गई, तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया चलो बेटा अच्छा है शादी के बाद काम आएगा तेरे भी, कुरान में हाफिजों से पूछो भाई, हाफिजों से पूछो, हाफिजों से कुरान में क्या है, बहुत बिगड़ गई बीवी तलाक नहीं देना, क्या करना, अल्लाह फरमाते हैं वद्रबू हुन्ना, पहले बीवी को दो चार हाथ मारो, कुरान में अल्लाह ने कहा मारो इसको दो चार हाथ, मार से ठीक हो जाए तो तलाक नहीं देना, मगर मारना तो नबी फरमाते खबरदार
हाथ उठाते वक्त ख्याल रखना कहीं चेहरे पर मत मार देना, जानवर को भी चेहरे पे मारना मना है, तो बीवी को कैसे चेहरे पे मारोगे? अब मारना तो डंडे से मत मारना, हड्डी पसली मत तोड़ देना, हुक्म है नबी का पीठ पे हल्की मार मारना, हल्की मार से ठीक हो जाए तो तलाक नहीं देना, वो बीवी है तुम उसका शौहर। सुभान अल्लाह, बोलिए ना, यहाँ तो एको हाथ ना उठा पहले तीन तलाक हो जाती है। माद अल्लाह रब्बिल आलमीन, सदवार माद अल्लाह रब्बिल आलमीन। हदीस का तर्जमा सुनाओ, सलाम ए, बात है सलाम की, एक हदीस बीच में सुना के उस हदीस का तर्जमा कर दे। अल मुस्तदरक है भाई, अल मुस्तदरक है और जिल्द 40 है, सफा 310 है, सतर 10 है। इजात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगज़वातिन फसल्ला रकअतैन, जब हुजूर सफर से आते, गज़वात, गज़वात उस जंग को कहते हैं जिसमें हुजूर मौजूद रहते थे, तो आते तो हुजूर पहले मस्जिद नबी में दो रकअत नमाज पढ़ते, सुम्मा ताबे फातिमा, ए बेटी वालो, ए बेटी वालो गौर से सुनो, नबी नमाज पढ़ते मस्जिद नबी के बगल में जहाँ मकाम सुफा है, एक चौबूतरा है, वही सरकार फातिमा जहरत नया घर था, नमाज पढ़ने बाद हुजूर बेटी फातिमा जो को जाके कहते, बेटी फातिमा अस्सलाम वाले। बताओ तो इमामुल अंबिया बेटी को जाके सलाम कर रहे हैं, बहुत पक्के सुन्नी हो, कोई बाप बताए तो बेटी को सलाम करता है? बताओ कोई बाप बताओ, नहीं करते हो, क्योंकि तुमको मालूम नहीं है कि नबी भी बेटी को सलाम करते थे। और किस दिन बेटी ने कह दिया आपको अस्सलाम वालेकुम, तो एक तो बाप ने सलाम नहीं किया, और बेटी ने सलाम कर दिया तो बाप को जवाब नहीं दिया। क्या कहता है बाप? बेटी ने कहा अब्बू अस्सलाम वालेकुम, बाप कहता है खुश रहो बेटी, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। वाह रे बाप, बुढ़ापे में हो गए गुनहगार, जवान हो कि बूढ़ा हो गए गुनहगार, तौबा वाजी फौरन तौबा करो। सलाम का जवाब न खुश रहो है न जीती रहो है, सलाम का जवाब वालेकुम सलाम न कहोगे तो गुनाह होगा। बेटी सलाम करेगी पोती, कहना पड़ेगा वालेकुम सलाम, न कहोगे तो गुनाह हो जाएगा। एक बार सबको कह देता हूँ, जरा प्यार से जवाब दे देना अस्सलाम वालेकुम। बाप रे, सब आदमी सैयद साहब क़िबला हुज़ूर धीरे धीरे भी जवाब देगा तो गोपालगंज टाउन में आवाज चली जाएगी। इसका मतलब कि सब आदमी ने जवाब नहीं दिया है। मेरे भाई इसे वकील क्यों बन रहे हो आप? सवाब आपको भी तो होगा। अस्सलाम वालेकुम, बेटी को सलाम करते, सुम्मा अता अज़वाजहू, फिर जाकर के नबी अपने बीवियों को सलाम करते, बीवियों को सलाम करते। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत वापी में तकरीर कर रहे थे, वापी है ना, मुझे वापी ना गुजरात, वापी, अल्लाह गवाह है। मैंने अव्वल तो हम 10 रोज अब तकरीर करना छोड़ दिया है, और बड़ी समाजत की बड़ी, तो हमने मुहर्रम में 10-12 दिन तकरीर, हमने 12 दिन संभाल पाओगे? हाथी को संभालना मुश्किल काम है, हमको 10-12 दिन के लिए बुला रहे हो तुम लोग? अब बोले होगा हम संभाल लेंगे। तो खुदा के हुजूर एक मियां बीवी में तकरीर किया, तो कल हो के 70 साल का बूढ़ा बिला मुबालगा 11,000 रुपया लेकर मेरे पास सुबह में आया। बोले क्या बात है? बोले हुजूर कबूल कर लीजिए, रो रहा है। बोले क्यों रो रहे हो? बोले एक महीना से बुढ़िया से झगड़ा था, आपने ऐसी हदीस सुनाई कि रात हमने जाके सलाम किया है और हमने बुढ़िया को मना लिया है कि आप अब तक कहां थे, आज से हमारा दोनों मियां बीवी का झगड़ा खत्म हो गया। अल्लाह खुदा गवाह है, अल्लाह का रसूल गवाह है। मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कि चलो मेरी तकरीर कुछ कबूल भी तो हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम चालू कर दो, और ऐ मेरी बहनों, अगर तुम्हारी गैरत बाकी है, जब तक तेरा शौहर तुमको सलाम करना चाहे कि मेरी बहन, पहले तुम कह देना शौहर अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि नबी फरमाते हैं जो दुनिया में पहले सलाम करेगा कयामत आएगी तो पहले वही जन्नत में जाएगा। छोड़ दो इनको पीछे मेरी बहन, तुम मुस्कुराते हुए कहते हुए जन्नत में चली जाओ कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह। ए हजरत, अब हदीस का तर्जमा कर रहे हैं, क्या करें क्या करें, बात कहां से कहां चली जाती है। असल ये सुन्नी लोग जो होते हैं ना, हजरत एक बात बताइए, आप तो तजर्बा कार आलिम हैं, हमसे उम्र दराज भी है, सुन्नी के जल से वहाबी देवंदी उन्हें ज्यादा होता है, मगर साल में टोटल की ये तो सुन्नी घट गया, अहले हदीस बढ़ गया। क्यों? हमने कलकत्ता में कहा कि क्यों बंबई के जिस गली में डरता था वो चलते हुए आज उस गली में उसका स्टेज क्यों? इसलिए, इसलिए कि आपकी कमी और कुछ हमारी कमी और कुछ आपकी कमी,
यहाँ तो फिर भी मुझे टाइम मिल गया। सुन्नी के जलसों में क्या होता है जानते हैं, बिहार उड़ीसा बंगाल में 1 बजे तक नात होती है, और जब तकरीर का वक्त होता है तो जितना छूट वाला होता है सब चला जाता है। उसको मसला क्या मालूम होगा कि सुन्नियत किसे कहते हैं, और बात सही है कि नहीं, बोलो बात सही है कि नहीं है। इसलिए अब जलसों का माहौल बदला जाए, पहले मुकर्रिनों की तकरीर होनी चाहिए, बाद में शायरों की नातखानी होनी चाहिए। अगर तुमको नात सुननी है तो बाद में नहीं सुनोगे, पहले ही सुनोगे क्या? हुजूर से मोहब्बत है तो बाद में नहीं सुनोगे, बाद में सुनो, खूब सुनो, हम भी सुनो, तुम भी सुनो, और तुम जब जिंदा रहो तो फकीर जैसे मौलवी का कुछ पैगाम भी तो सुन लिया करो। बाबू बोल दो ना सुभान अल्लाह तो बता देते हैं। हजरत एक जगह का तकरीर करने, इसके बाद उस हदीस का तर्जमा। एक आदमी उठा, 500 रुपया मुझको नजराना दिया, 20 तकरीर में कह दिया 500 रुपया जी। बोले आप बहुत अच्छे मौलाना है। बोले क्या अच्छा लगा? बोले 3 दिन से बीवी से झगड़ा है। बोले तो अच्छा क्या लगा? बोले आपने कहा ना सलाम करो तो झगड़ा खत्म होगा। हम सोचते सुबह में मुनासिब गतुल्लाह साहब के यहाँ जाके ताबीज लेंगे, पर अब नहीं जाएंगे हुजूर, सलाम करेंगे झगड़ा खत्म होगा। हम बोले अच्छा कैसे? तो गया घर, गया घर 3 बजे, अभी 3 दिन तो हुआ था, 3 दिन तो हुआ था, बीवी का मुंह था बहुत गर्म। कहा बीवी बीवी अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी गुस्से में कहती अपना सलाम अपने पास रखिए, ऐसा सलाम नहीं चाहिए। क्यों क्यों मूड बिगड़ा हुआ था? अब मसला समझो, बीवी हो गई गुनहगार। ए मेरी बहन तुम हो गए गुनहगार, तुम पे तौबा वाजिब। मियां बीवी का झगड़ा अपनी जगह है, नबी की शरीयत अपनी जगह है। सलाम का जवाब न दोगे तो गुनाह होगा। एक बार और कह दो अस्सलामु अलैकुम। अब उस हदीस का तर्जमा सुनो जो हदीस बुखारी शरीफ की मैंने पढ़ी थी। एक जगह है खंदक मदीना शरीफ में, इसलिए खंदक कहते हैं कि जंग के मौके से वहां खंदक खोदी गई थी। ए भाई भाई मदीना शरीफ में वो जगह है, वहां जंग हुई थी, उसका नाम है जंगे खंदक। गौर से सुनना, इस्लाम कितने मुश्किल से आप तक हम तक पहुंचा है। काफिरों ने 1 महीना तक हमला किया। अब गुरबत का या लमता सहाबा के भाई कि उस मैदान में दरख्त के पत्ते खाते थे, पत्ते मैदान छोड़ के नहीं जाते थे। बाप रे बाप, दरख्त के पत्ते खाकर इस्लाम को बचा रहे हैं, काफिरों का मुकाबला कर रहे हैं, और आपको तो आप हलवा बिरयानी मिल रही है, उसमें भी 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते हैं, खर्राटे से सोते रहते हैं। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत जाबिर की नजर पड़ गई सरकार के शकम में, आता हट गए, देखा नबी के पेट पे पत्थर है, तो चुपके से चले गए। खंदक जहां है ना हजरत, वहां से 500-600 मीटर के फासले पर हजरत जाबिर का घर था, जहां आज मस्जिद बनी हुई है। हजरत जाबिर कहेगा बीवी नबी के पेट पर मैंने पत्थर देखा है, घर में कुछ है? अर्थ करते एक सा आटा समझे 4 किलो 200 ग्राम कमोबेश, एक बकरी का बच्चा उम्र 6 महीने की, का जबह करो नबी को बोला कर लाता हूँ। तो बीवी थी होशियार, का शोहर सबको दावत न देना, का खिलाओगे सबको? नबी को कान में दावत दीजिएगा, बुखारी शरीफ में के कान में दावत दीजिएगा कि आप चले, 2-4 चले, 1 सा आटा गुदवाया है, बकरी का बच्चा जबह करवाया है। हजरत जाबिर गए नबी के कान में, कहा आप चले, 2-4 चले, बकरी का बच्चा जबह करवाया, उम्र 6 महीने की है, आटा गुदवाया है, 1 सा 4 किलो 200 ग्राम। सरकार ने सुना तो इतना कहा, फसाहन नबी खंदक। जाबिर ने कहा चुपके से, तो हुजूर ने जोर जोर से कहा, ऐलान करके कहा, ए अहले खंदक, ए सहाबियों कहां आओ, आओ सबके सब चलो, आज जाबिर ने रोटी खाने की दावत दी है, सब चलो सब चलो। हजरत जाबिर का चेहरा उतर गया, अब क्या होगा? सरकार ने कहा जाबिर पहले तुम जाओ, जब तक मैं ना आऊंगा हांडी को चूल्हे से मत उतरवाना, गूंधे हुए आटे की रोटियां मत पकवाना। हजरत जाबिर गए, एक बात सुनो, कोई सदर साहब या सिक्योरिटी साहब किसी 10 आदमी की दावत दे, और सिक्योरिटी साहब के घर में बैठ जाए 10 सर, हमारा 100 मौलाना, तो बीवी का मूड बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? और उस वक्त बीवी का मूड बिगड़े तो शोहर को डांटना नहीं चाहिए, क्यों? गलती आपकी है, बीवी को बोलने दीजिए, कयामत तक थोरू बोलेगी, 15 मिनट में अपने चुप हो जाएगी, नहीं ना बोलने ना दीजिए भाई, 15 मिनट के बाद कितना बोलेगी? या अल्लाह। हजरत जाबिर की कहा बीवी सब आ रहे हैं, हजरत जाबिर की बीवी बिगड़ गई, मूड गर्म हो गया, मिजाज गर्म हो गया, कहती है अल्लाह आपका ऐसा करे, अल्लाह आपका वैसा करे। होशियार हो गए, मैंने कहा था नबी को दावत दे रहे, जनाब सबको दावत दे के आ गए हैं।
हजरत जाबिर ने कहा औरतों की आदत है बीच में बोलने की, पहले पूरी बात तो सुनी नहीं अब बीच में बोल पड़ी। क्या बोलिए, क्या बोलते हैं? अरे बीबी قد فعلت الذي قلت, जो तूने कहा था ना मैंने वही किया है, नबी को दावत दी है। कहा तो सब कैसे आ रहे हैं? कहा मैंने नबी को दावत दी तो नबी ने सबको दावत दे दी तो मैं क्या करूं। अब बीबी ने मुस्कुरा दिया, कहा अच्छा आपने नबी को दावत दी तो नबी मेरे मेहमान, और सबको नबी ने दावत दी तो सब नबी के मेहमान, मैं नबी को खिलाऊंगी सबको अपना नबी खिलाएंगे। अब सुनो सरकार गए हजरत जाबिर का आटा, भैया जो गुदा हुआ था उसमें लुआबे पाक डाल दिया, लुआबे पाक, अब वो बूटी जो हाडी में जोश मार रही थी उसमें भी नबी ने लुआबे पाक डाल दिया। तो हजरत जाबिर फरमाते नबी ने लुआब डाला तो जितने सहाबी थे सबों ने पेट भर भर के खा लिया, मन न बूटी घटी ना आटा घटा। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। सब आदमी बोलो ना बाबा हमारा नबी देने वाला है सच्चा। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, और आप लोगों की इजाजत है तो उस्ताद जमन के दो शेर सुना देते हैं। उस्ताद जमन कहते हैं हसन सरकारे तैबा का अजब दरबारे आली है, दरे दौलत में एक मेला लगा है अहले हाजत का, फकीरों में नवाओ अपनी अपनी झोलियां भर लो के बारह पट रहा है फैसले सरकारे आली। सुभान अल्लाह लुआब ऐसा है तो लुआब वाला हमारा नबी कैसा होगा। भाई साहब मदारजुल नबुव्वत जिल्द अव्वल सफा 211 पर है, दरखान रस चाहे बहुत पसंद आता हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देहने मदीना शरीफ में जो कुआं होता है ना, कुआं कुआं समझते हैं ना, कुआं हम लोगों के बाप दादा के टाइम में देखा है, पाइप नहीं था, कुआं ही से हम लोग पानी पीते थे। तो अब लोग यहाँ भी ना बाप दादा के टाइम में अपना पैप, तो कुआं का पानी अगर नमकीन हो पीने के लायक ना हो और मीठा करना हो तो कितना शक्कर डालोगे उसमें, फिर भी गारंटी नहीं कि मीठा होगा कि नहीं होगा। और हजरत अनस फरमाते रज़ियल्लाहु ताला कि मेरे आंगन में कुआं था, पानी नमकीन शोर था, पीने के लायक नहीं था, एक रोह दूर आए और हुजूर ने उस कुएं में लुआबे पाक डाल दिया तो इतना मीठा हुआ, इतना मीठा हुआ कि मदीना में सबसे ज्यादा मीठा पानी मेरे कुआं का हो गया। बोलो बोलो लुआब ऐसा है तो लुआब वाला हमारा नबी कैसा होगा। भाई साहब जो आयत मैंने पढ़ी थी उलमा से पूछो मकाम महमूद से मुतल्लिक, अभी मैंने एक हदीस नहीं पढ़ी है, अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है, ये तो लुआब से मुतल्लिक शुरू किया और इतनी लंबी तकरीर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मेरे पीर मुफ्ती आदम का करम नहीं है तो और क्या है, बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो बोलिए सुभान अल्लाह। ये देखिए तलबा कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं, तहसीन चार हाफिज हाफिज और कारी, चार बच्चे हाफिज और कारी हो रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयद साहब के हाथों मासूम रतुल्ला साहब, दीगर उलमाए किराम उनके सर पे दस्तार रखेंगे, कोई नहीं जाओगे देखोगे, वरना अगर देखोगे नहीं बच्चे के सर पे दस्तार तो बच्चे का दिल टूटेगा। बड़ी मेहनत से इन्होंने कुरान हिफ्ज किया है सुभान अल्लाह। अगर हम चाहें मगर न चाहा इसलिए कि अगर कुरान शरीफ याद करके भूल गए तो क्या होगा। हदीस शरीफ में है कि जो हाफिज कुरान याद करके कुरान भूल जाए तो कयामत में इस तरह उठाया जाएगा कि उसके बदन पे चमड़ा नहीं रहेगा, गोश्त रहेगा, खाली हड्डी का ढांचा रहेगा। तो इसी डर से पूरा कुरान मौलाना हमने याद नहीं किया कि अगर भुला गए तो क्या होगा, मगर हदीस इतनी याद कर ली है कि कितने वहाबियों का मैंने जनाजा निकाल दिया है सुभान अल्लाह। इधर आओ प्यारे हुनर राजमा है, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा है, मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुझे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। एक बात बस एक बात तवज्जो से सुन लो, एक बात जल्दी से बोलना आप लोग, बेटी समझते हैं बेटी, बाप रे बाप कोई बेटी नहीं समझता, बेटी नहीं समझते हो जी, बेटी समझ गए ठीक है, बीवी समझे माँ बहन, तो जोर से बोलो बेटी को कहे आप बोलो ना बाबा, अब बीवी को माँ को दादी को खाला को, तो किसी भाई को कहते सुना मेरी बीवी बड़ी अच्छी है तो तुमको भी दो आंख है, मेरी माँ को भी दो आंख है, तो तू तो मेरी माँ की तरह है, कोई कहता है कहे नहीं कहा,
जब बीवी को भी दुआ, बुधवा का कहता है नबी को दुआ, नबी को दुआ, तो हम नबी की तरह। अरे बुद्धू यही समझा। बंबई में एक ससने का, मौलाना आप लोग हमसे काहे लड़ते हैं? हम कहा हमको सिंह है जो लड़ेंगे, तू काहे लड़ता है ये बता। बोले हम लोग नबी को अपनी तरह कहते तो लड़ते काहे, नबी को दुआ के हमको भी दुआ के, तो जाहिर में हम नबी की तरह है। मैं कहा बहुत अच्छा, अगर यही समझदारी है तो कुत्ते को भी दुआ के, तुमको भी दुआ के, आज से तो कुत्ते ही की तरह। अरे भैया अब तक नहीं समझे, सुन लो मसला, समझो मसला, समझो। किसी सुन्नी ने कह दिया बीवी को कि तू मेरी माँ की तरह है, क्योंकि माँ को भी दुआ, तुमको भी दुआ, तो बीवी हो गई हराम। अब बीवी के बदन में हाथ लगाओगे गुनाह होगा, अलग हो जाओ बीवी से। अब बीवी को करना है हलाल, तो पढ़ो कुरान शरीफ। कुरान में अल्लाह फरमाता है अब बीवी को हलाल करना है तो कफारा दो, कफारा। बीवी को माँ की तरह क्यों कहा? कफारा दो 60 फकीरों को खाना खिला। कई फकीरों को नहीं खिला सकते हो तो मुसलसल 2 महीने के रोजे रखो, 2 महीने के, तब बीवी हलाल होगी। कुछ समझ में आया सुन्नी भाई? बीवी को माँ की तरह कहोगे तो कफारा देना पड़ेगा जब बीवी हलाल होगी, और कोई नबी को अपनी तरह कहेगा तो जहन्नम में जलना पड़ेगा। हमारा अकीदा है कि लम याते नजीर कफी नजरें मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। और आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वक्त ऐबे तनही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रब्बा ने खत में सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। सुनिए हदीस सुनाते हैं इमाम मुज़क्किर खान साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। मुज़क्किर खान जब बोलने पे आते हैं ना तो एक तो नकीब है और उस पर ये खान है, दो दो काम होता है। हाँ भाई खान को गुस्सा, ए खान को गुस्सा आ गया तो पूरा काम हो जाएगा। एक खान इमाम मोहम्मद रज़ा ने पूरी दुनिया की सुन्नियत को बचा लिया है। बोलो बचाया कि नहीं बचाया? एक आला हजरत ने बचा लिया, सुभान अल्लाह सुभान, क्या कहना। क्यों मासिमतुल्लाह आप तो नहीं ना खान साहब, आप तो शेख साहब हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वहां तहसीन साहब एक हदीस सुना देते, सुनियो। इत्तेफाक से हमारा बेटा मुफ्ती भी है, आलिम भी है, उसका भी नाम मौलाना मोहम्मद तहसीन रजा, वो मदरसा देख रेख वही करता है। मुझको बड़ा आराम दे दिया बेटा ने, कहा बाबू अब तू मदरसा संभालो, अब तक तो संभाल, हाँ घटे बढ़े तो बता दे, तो कम बताता है। अभी 28 मार्च को लड़कियों का जलसा किया, 17 लड़की फारिग हुए, एक के मर्तबा आया कहा था पहले 45,000 रुपया दीजिए औरतों को खिलाने में, इतना खर्चा बांधे। हमको कहा होता तो 25 में काम निकालते, कसम से हजरत 45,000 देना पड़ा। हमका कोई बात नहीं, चलो तुम खिला दिया तो अब क्या करेंगे, दे दिया। खाने में पिंडाल का अलग था, दस्तार का खर्चा अलग था, ये खाने में लगा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, 2-3 तकरीर करेंगे पूरा ऊपर हो जाएगा। है भाई तकरीर करके पूरे मुज़क्किर खान से मौलमा की तनख्वाह देता हूँ, मौला के करम से आलमा की तनख्वाह। कभी आपसे चंदा मांगा है? बोलो चंदा मांगा है, बोलो सही सही बोलो, मांगा है? नहीं मांगा है, ना मांगूंगा आपसे। मेरी तकरीर जिंदा रहे, मेरे पीर के सदके में मेरा मदरसा जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए बुखारी शरीफ की दसानी पारा बैत सफा 810 बाब मा कल हता शबा हदीस नंबर 1 17 15 16 17 18 19 20 21 बाद 23 24 25 26 27 अनस कल कल अबू तलहा लुम सुले लकद समतु सूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दईफन फल मिन इंद कसयुन कालत नम फखरत करा सम मिन सईद थुम खल खमारा फलफत अल खुबज थुम तसत तसबी वरसल इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजहबत बे वजद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وما هنا فقمت على باب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فانطلق فانطلقت حتى جئت ابا طلحه فقال ابو طلحه لام سلم قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالله وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله اعلم एक मरतबा और मालूम है जलसा के चारों तरफ शैतान घूम रहा है, बोले बहुत भगाया है, निकलो यहाँ से पता चलाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं एक मरतबा और 55 किलोमीटर दूर भगाओ इसको, ताकि हदीस का हम तर्जमा कर लें। जोर से बोलो अल्लाहु अकबर। भाग गया भाग गया, हजरत फिर आ जाता है, बड़ा प्रॉब्लम है, फिर आ जाता, भगाते रहो फिर आ जाता है, सुभान अल्लाह। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ उसी पे बैठ जाओ अनवर, मोहब्बत से सुनो। ए अनवर अनवर
मोहब्बत से सुनो, क्योंकि दो महीने के बाद तेरी शादी होने वाली है। ये सब सुन के रखोगे तब ना अमल होगा। ये कहता है हुजूर आपने कहा पढ़ाने नहीं आएगा ना, हम शादी नहीं करेंगे। बताइए तो ऐसी जिद कहीं जिद होती है? तो आने पड़ेगा उसको कि घर तो आबाद हो जाएगा कम से कम, है आना पड़ेगा। हाँ हम आएंगे आएंगे बाबू, अरे टाइम हमसे लेना, अपने टाइम रख के ना कहना, टाइम हम देंगे तो हम आएंगे, वादा करते हैं इंशाअल्लाह तआला। एक पैसा खर्चा नहीं लेंगे, क्योंकि शादी में आएंगे तो देना पड़ता है ना। हाँ देना पड़ता है, हम लेंगे क्या है। अब ऐ हजरत हुजूर से ऐसा पूछा, एक वाकया याद आ रहा है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के, बहुत नसीहत हमेज वाकया है, सुना दे भाई साहब। बोलिए ना सुना दे तो सुभान अल्लाह बोलिएगा जब ना। एक बात बोलो इंशाअल्लाह कहते हुए, आज से घर जाओगे तो सलाम चालू करोगे ना, इंशाल्लाह बोलिए ना, सलाम करोगे तो झगड़े खत्म हो जाएगा। बीवी को किया, बीवी का झगड़ा खत्म। माँ को सलाम किया, माँ बेटे का झगड़ा खत्म। बाप को सलाम किया, बाप बेटे का झगड़ा खत्म। बेटी को सलाम किया, बाप बेटी का झगड़ा खत्म। घरों में प्यार का चर्चा हो जाएगा। मगर 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 हजरत देवबंदी ने एक वाक्या लिखा, बापरा कभी कभी वो अच्छा लिख देता। किताब का नाम है हजरत, किताब का नाम है दिल हिला देने वाले वाकया, 500 सफा। मैंने पूरी किताब इसलिए पढ़ी कि डंडी कहाँ कहाँ मारी है। तो जब पढ़ रहे थे तो एक वाकया लिखा जो अच्छा लगा, तो अच्छा वाकया सुना दे आपको। बोलिए ना सुना दे। ख्वाजा गरीब नवाज, माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं कोई बात नहीं, लोग होशियार हैं, बहुत होशियार है, यहाँ के लोग बहुत होशियार है माशाल्लाह। है गरीब नवाज, रजब शरीफ का महीना खत्म हो गया कि चालू है अभी, चालू अभी अभी है। तो गरीब नवाज, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज गए माँ के पास, ए बेटा जिसकी माँ जिंदा हो गौर से सुनना, गए माँ के पास, कहा अम्मी अम्मी अस्सलाम वालेकुम। माँ ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चलो चलो पीछे पीछे। मैं अक्सर देखता हूँ 90% जब मैं तकरीर करता हूँ तो बीच में चाय जरूर आती है हर स्टेज पे, और तकरीर खत्म कर दूंगा तो चाय नहीं आई, अन मेरे तकरीर से पहले आई, मगर मना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जन्नत में चाय मिलेगी नहीं, जो पीना है यही पीना है, तो मना कैसे करें, जन्नत में चाय नहीं है। और एक बात और सुनो, जन्नत पी चाय पीना हुजूर की सुन्नत भी नहीं है। ए हुजूर चाय पीते थे, चाय की पत्ती थी तो नहीं थी तो बिदत हुई ना चाय पीना, तो वो वहां भी जो हम बरेलियों को बिदती कहता है वो भी चाय पीता। मैं कहता हूं हम बिदती तो तू क्यों चाय पी रहा है, तुमको तो नहीं पीना चाहिए, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। सुनो गरीब नवाज का अम्मी अस्सलाम वालेकुम। मां का वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बेटा मोइन आज बड़ा मुस्कुराता है, तू क्या बात है, बहुत चमक है चेहरे पर बेटा, क्या बात है। तो सुनो ख्वाजा ने क्या क्या गौर से सुना, कहा माँ बंगाल से आ रहा हूँ, बंगाल से। बोले तो क्या हुआ बंगाल में? बोले बंगाल में 8 लाख काफिर इस सफर में मेरे हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है। कितना लाख बोलो ना भाई, तो जोर से बोलो ना, ख्वाजा के नाम बोलो ना सुभान अल्लाह, 8 लाख। माँ ने कहा बेटा 8 लाख काफिर जो मुसलमान हुआ वो कोई तेरा कमाल है कि सब तेरे माँ का कमाल है? या अल्लाह, खाजा ने कहा माँ कलमा हमने पढ़ाया सब तेरा कमाल क्या हुआ? तो खाजा ने कहा माँ, खाजा से माँ ने कहा बेटा यही तो तू नहीं समझा मेरा कमाल क्या है। बेटा मोइन सुन ले, मेरी बहन जरा तुम भी गौर से सुनो, माँ ने क्या कहा। बेटा तेरा बचपना था मोइन, जब भी तू दूध क्लियर होता था तो तेरी माँ ने बिला वजू किए कभी दूध न पिलाया। पहले बेटा वजू करती थी तब दूध पिलाती थी, और जब तक तू दूध पीता रहता था मैं नबी पे दुरूद पढ़ती रहती थी। बे माँ ऐसी हो तो बेटा गरीब नवाज पैदा होता है, गौसे पाक होता है, मखदूम सिमना होता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता है। माँ ऐसी हो तो बेटा मुजद्दिद आजम इमाम मोहम्मद रजा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए हजरत उमर के दौर का वाकया, एक सहाबी थे भैया, ए भाई साहब तलाक मत देना, ए बाबू बैठो ना, ए जवान जल्दी बैठो ना, तलाक मत देना। बोलिए ना इंशाल्लाह, बोलिए इंशाल्लाह। हजरत उमर के दौर में एक सहाबी की शादी हो गई तो बीवी थी बहुत कड़क, इस दौर में भी है किसी की बीवी कड़क है किसी का शौहर कड़क है, अब बहुत कम है जो दोनों एक साथ है। तो जब जाए हजरत सहाबी का अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्यों जनाब छुट्टी हो गई, कहाँ थे किधर घूम रहे थे? उस साहबियों से या अल्लाह अभी नई नई शादी हुई है, अभी 6 महीना भी नहीं गुजरे हैं, ये रोज डांटे पिलाती है,
रोज गुस्सा होती है, रोज बरसती है। तो कहा चलो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के यहाँ पूछेंगे हुजूर बीवी ठंडी कैसे होगी, नहीं समझे। आज मियाँ बीवी खटपट हो तो जाते ना मौलाना के पास, हुजूर कोई ताबीज दिए ना, बीवी बहुत गर्म है, तो दे दे ठंडी हो जाए तो अच्छी बात। अब बीवी क्या कहेगी, हुजूर एक ताबीज ऐसा दीजिए कि मेरा शौहर खाली हमरा सुने, न बहन का सुने, न माँ का सुने, न बाप का सुने, हमरा सुने। जो मौलवी ऐसा ताबीज दे दे तो मौलवियों को गुनाह होगा, ए बेटा को माँ से छोड़ा तो गुना नहीं होगा। तो हम कहते ठीक है बैठो बैठो, तुम्हारा दिल बनाते हैं तो ऐसा ताबीज देते हैं कि माँ का भी सुने, बीवी का भी सुने, है कि नहीं। माँ को कैसे हम बेटा से छोड़ाएंगे भाई, गुना होगा कि नहीं, बोलो ना गुना होगा कि नहीं होगा। ऐसा ताबीज नहीं दे सकते हैं कि माँ को छोड़ दे। सहाबी गए हजरत उमर के यहाँ, ये मसला पूछेंगे कि बीवी का मिजाज कैसे ठंडा होगा। तो सहाबी ने क्या देखा, जैसे कदम रखा तो क्या देखा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हजरत उमर पे बरस रही है। रास्ते से वापस हो गए, जब अमीर मोमिनीन का घर का यह हाल है तो फकीर का क्या हुआ, वापस गए। सरकार उमर ने कहा ए कहाँ आए थे जी, इधर आओ। बोले हुजूर एक मसला पूछने आए थे। तो बोले पूछो न। बोले हुजूर बेला पूछे हल हो गया जा रहा। बोले बेला पूछे हल हो गया क्या हुआ। बोले हुजूर बीवी रोज बरसती है तो मैंने सोचा आपसे पूछेंगे, वो देखा आप ही की बीवी बरस रही है तो सबर हो गया। बोले नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे, बैठो कुछ नहीं समझे, बैठो समझाता हूँ। अब आप भी समझो, है सुन्नी भाई आप भी समझाओ। देखो मौलाना सिबहतुल्ला ने मां तहसीन ने सैयद साहब को उसी ने निकाह पढ़ाया तो क्या कहा, 10,000 महर अलावा नान नफका सुगना, यानी महर दोगे 10,000, खर्चा तुम दोगे, खाना तुम दोगे, रहने का मकान तुम दोगे, कपड़ा तुम दोगे। मसला समझे, यानी बीवी पर यह वाजिब नहीं है कि शौहर को रोटी पका के खिलाए, बीवी पर वाजिब नहीं है कि कपड़ा शौहर का धोए, बीवी पर वाजिब नहीं है कि बीवी शौहर का घर साफ करे। तो हजरत उमर ने कहा ये बरस रही मैं चुप क्यों हूँ, नहीं जानते हो तुम सहाबी, ये मेरी बीवी है, मेरा बाबरचन भी है, रोटी न पकाएगी तो उमर क्या करेगा, ये बाबरचन भी है मेरे रोटी पका देती है, मेरा धोबन भी है ये कपड़ा भी धो देती है, न धोएगी तो उमर क्या करेगा, कन्ना सा भी है मेरे घर में झाड़ू भी लगा देती है, न लगाएगी तो क्या करूंगा, अब जरूरत पड़ती है तो मेरी जनसी जरूरत भी यही पूरी कर देती है, तो बीवी के अलावा एक्स्ट्रा काम भी तो कर देती है, तो बोलती है तो उमर चुप हो जाता है कि चलो काम भी तो ज्यादा कर दिया करती है। मरा आप कभी सोचा कि हमारी बहन बोल दी दो बात तो तुम इतने डांट देते हो, या तो हाथ लगा देते हो, या तो गुस्से में आपे से बाहर हो गए तो तलाक दे देते हो। मौत अल्लाह रब्बिल आलमीन सदबार माल, इसका ये मतलब नहीं बहन कि कल से तुम रोटी पकाना छोड़ देना, कपड़ा धोना छोड़ देना, तुम रोटी इसलिए पका दो कि शौहर का दिल जीतो, तुम कपड़ा इसलिए इसका धो के शोहर का दिल जीतो, तुम शोहर का घर इसलिए साफ करो के शोहर के दिल में घुस जाओ और शोहर तुमसे राजी हो जाए। तो नबी करीम फरमाते हैं जो बीवी इस हाल में मरे कि मरने के बाद शोहर राजी है तो उस बीवी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो काम दोनों तरफ से है ना भाई, काम दोनों तरफ से है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तलाक मत दो। 1 घंटा 35 मिनट में तकरीर कर चुका और मेरी तकरीर बाकी रही। नहीं नहीं मौलाना साहब शोरा बाकी है, खुतबा बाकी है, और भी सुना और फिर हम अभी 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 नहीं नहीं हजरत इलाही तो हो रही है, क्या करेंगे। अब बोलो बोलो बोलना अच्छा बैठ दीवाना बैठ दीवाना को याद है। बोले आप एक जलसा में बोले थे, आप बताए नहीं क्या बोले थे इसको याद है। बोले कुछ जगह ऐसी है कि हाथ उठाने से दुआ कबूल हो जाती है, तो इस जगह के फिक्र में कोई जगह है कहाँ, वही जाके दुआ करेंगे कि अल्लाह बीवी अच्छी दे दे और ऐसी बीवी दे कि बीवी वाला मालदार भी हो, माल भी मिल जाए। बता देता नहीं नहीं हमें तो मालूम है कि तुमको माल की जरूरत नहीं है, मगर ऐसी मजाहन का है बाबू, तुम तो अभी बोले हो कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बीवी नेक चाहिए। और सुन लो बताता हूँ वो जगह कहाँ है, हाथ उठा दो दुआ कबूल। मगर उससे पहले एक बात सुनिए, मौलाना सिबहतुल्लाह ने कहा इस्लाही बात है तो एक इस्लाही बात और सुना देता हूँ। सुने हजरत मौलाना सैयद याकूब अलैहिर्रहमा उनकी किताब इशाअतुल इस्लाम है,
और नाफिल नाफिल मुस्लिमीन अरबी में है, उसका तर्जमा हजरत उर्दू में हो चुका है, उसके बाद किताबुल निकाह में है। और सबसे बड़ी बात, इस वाकये को, इस बात को इमाम मोहम्मद रज़ा अपनी किताब अल फतावा रज़विया बाबुल मियाह, बाबुल मियाह समझे, पानी का बयान, बोलो पानी का, बोलो ना पानी का बयान, क्या लिखा लाते हैं सुन्नी बात, क्या लिखा लाते हैं कि जब ब्याह करो, ए अनवर जब शादी करो, हाँ ये बात अच्छी है हजरत, हजरत हजरत को, अरे अरे यार फकीर को बना लो, चलिए 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 ठीक है माशाल्लाह, हाँ हाँ सही बात यही है, हाँ हाँ ना पहन लीजिए पहन लीजिए, ए बाबा अब ठहरो, अब जो है दस्तार के बाद पहनाना, ठीक है ना, जरा रुक जाओ रुक जाओ, दस्तार के बाद पहनाना, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो आराधना का है, सुनियो जिसकी शादी हो गई हो गई, जिसकी शादी ना हो उसे सुनो, आला फरमाते हैं कि ब्याह करके शादी करके जब दुल्हन को घर ले जाओ, शौहर के घर वालों को चाहिए, औरतों को चाहिए क्या, तगार में गगन में दुल्हन का पैर रखो और दुल्हन के दोनों पैरों को धो, यरशो सवा अल बैत, भैया तो फरमाया कि शादी करके लाओ तो दोनों पैर को धो, दुल्हन का दोनों पैर बोलो क्या करो, बोलो धो, धोने के बाद क्या करो, तगार में जो पानी जमा हुआ उसको फेंको नहीं, जवायल बैत, शौहर के जितने रूम हैं हर रूम के कोने में हल्का हल्का छींटा दो, दुल्हन के पैर के धोवन का छींटा दो, क्यों फरमाते पहली रात जब दुल्हन आती है बाप के घर से शौहर के घर तो अपने कदमों में बरकत का दरिया लेकर के आती है, सही से बोलो किसी के घर में पैर धोया जाता है, खाली नारा मसलक आला हजरत, तो ये मसलक आला हजरत ही तो है, और क्या है, आला ने तो लिखा फतह रज़विया में किसी का पैर नहीं धोया जाता, हाँ एक बात है दुल्हन आएगी ना तो सास पहले कपड़ा हटाती है, कितना सोना पहन के आई है, फिकर ना करना सास, मरने के बाद तेरी हड्डी पसली तोड़ी जाएगी, क्यों दुल्हन जो जेवर पहन के आई है न सास मालिक है न ससुर मालिक है न दूल्हा मालिक है, जितना जेवर पहन के आई है सबका मालिक दुल्हन ही है, तो देखने से क्या फायदा है, काश सास ये देखी होती मेरी बहू बेटे की दुल्हन फातिमा की बांदी आई है कि नहीं आई है, आयशा की कनीज आई है कि नहीं आई है, नमादी आई है कि नहीं आई है, ताकि मेरे घर में कदम रख दे तो मेरे घर में भी बरकतों का नुजूल हो जाए, आज से किसी की शादी हो तो इस पर अमल करना, पैरों को धोना, बोलिए ना इंशाल्लाह, बोलिए ना, ऐसा ना समझे सास ननद के, रे बाप रे बाप पहली ये रात में दुल्हन का भाव बढ़ा दिया, अरे भाव नहीं बढ़ाया है कि नहीं, अपने बुजुर्गों के कौल पे अमल किया, अधो करके शोहरों ने अपने घर में बरकत लाई है कि नहीं भाई, मदरसा क्या नाम है आपके मदरसे का, मुलाना मदरसा अहमदिया फैजुर रसूल, बड़ा प्यारा नाम है मदरसा अहमदिया फैजुर रसूल, बहुत प्यारा मदरसा है, देखा मैंने ये दूसरे साल आया हमें, मोहतसिन रजा ने कहा हजरत लोगों की ख्वाहिश है कि बुलाया जाए तभी आपको सुनेंगे, हमने कहा टाइम कहाँ देते हैं आप, बोले टाइम कहाँ देते, बोले इस बार पहले टाइम देंगे, अब वक्त पर देंगे, मगर इस बार भी पहले नहीं दूसरा ही टाइम मिला, चलो मगर कम से कम 12 बजे तो दे दिया, हम डर रहे थे कहीं 2 बजे फिर ना टाइम दें, मगर चलो 12 बजे दे दिया मौलाना आपने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मदरसा है, मदरसे में दीन के साथ साथ इस दौर में इंग्लिश भी पढ़ानी चाहिए, बहुत जरूरी है, इंग्लिश के साथ साथ जैसे मेरे मदरसा में इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, अरबी भी है, हदीस भी है, सब कुछ है, साथ में मैंने कंप्यूटर भी लगाया है, तो बोलो मदरसे में कंप्यूटर भी चाहिए कि नहीं चाहिए, ए बोलो ना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कहां से चाहिए, सऊदी से चाहिए, अमेरिका से चाहिए, सुन्नी को तो देगा भी नहीं वो, चाहिए भी नहीं मुझे सऊदी का कंप्यूटर, हम सुन्नियों को न सऊदी की जरूरत है न अमेरिका की जरूरत है, हम सुन्नियों को अजमेर वाले गरीब नवाज की जरूरत है, जय हिंद, वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, इसलिए हम चाहेंगे कि कुछ भाई अभी नहीं तो कल, अरे दो चार भाई मिलके कौन 15-16 हजार में तो एक कंप्यूटर आता है, दो चार की क्या जरूरत है,
इस इलाके में तो ऐसे ऐसे मुसलमान है, चाहेगा तो एक मुसलमान कंप्यूटर पैसा देने में अगर हिचकिचाहट हो तो कंप्यूटर खरीद के दे ना दे भाई, कम से कम मदरसा में कंप्यूटर लग जाएगा, हमारे बच्चे सीखेंगे तो आपको भी सवाब होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, दे देना। बोलो इंशाल्लाह, बोलिए ना इंशाल्लाह। अब हम नकीब जलसा से गुजारिश करते हैं कि आप मैच कराइए और अगला प्रोग्राम बताइए, और हो सके तो कुछ मदरसा का भी तारुफ करा दीजिए। सारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।